की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांतिकेत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांतिकेत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, मधुर जग बंद खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधु बोले जग बंद खोल, सत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु के महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भगवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव वैद्यः च सखा, त्वमेव त्वमेव वेद्यः द्रविडं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः, त्वमेव सर्वं मम देवदेवः, त्वमेव सर्वं मम शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिराव शांतिरोषधया शांति वनस्पत शांतिर्विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओं जन जन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्ना देहना कम महिमा सजंत चत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा
हरि ओम मेघदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्ते काम कुल चंपट पाटलाब्जे पुण्या गजात कर वेल रसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे स्वाम पूजयामि जगदी स्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि चा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। डाटा करो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। स्थान देवताय नमः। समस्त आवाहित देवताय नमः। समस्त भूतेभ्यो नमो नमः। समस्त जनाय नमः। नमः नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांवरं प्रयनं परमं पवित्रम् उत्यत्तिवाकरकरौ ज्वलकाय कांतम् विघ्नेश्वरौ सकल विघ्नहरं नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। यं प्रव्रजन्तु मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कंकणम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास, जन्म जन्म मोहे दीजी हो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजी हो श्री वृंदावन वास। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओमा गौरीपति की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती माता की जय। धरती माता की जय। माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। सभी देवता सभी ऋषि सभी साधु संतों की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। राधे 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राम। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलिवावन। परशुराम रघुबीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरुभ्यास प्रथु हरि हंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुवर दैन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय श्री राधे। जय गौ माता जय गोपाल। आइए हम सभी परम सौभाग्यशाली बांके बिहारी की नगरी श्रद्धाम वृंदावन में हमारा पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम मास के साथ साथ आज पुरुषोत्तम मास की एकादशी कमला एकादशी तो कहना चाहिए आज तो सोने पे सुगंध वाली बात है कि आज वृंदावन धाम है, पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास है, ब्राह्मण देवताओं की मंगल में उपस्थिति है, भागवत जी का सानिध्य है और परम पूज आध्यात्म मर्मज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री मनुश्री जी महाराज जी के पावन सानिध्य में आपकी मंगल में आपकी ओजस्वी ज्ञान वाणी से हम सब लगातार एक महीने से दिव्य सत्संग भागवत कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज पुनः हम और आप अपने जीवन का परम लाभ भागवत कथा के माध्यम से ही करेंगे। देखिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान अतिशय कृपा करते हैं जीव पर तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो भगवान की जब कृपा होती तब भगवान अपनी प्राप्ति करा देते हैं, लेकिन जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो भगवान कथा के रूप से अपनी प्राप्ति कराते हैं। बिना कथा के भगवान मिल भी जाएं तो वो भगवान हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाते। दुर्योधन कंस को रावण को जयद्रथ को शिशुपाल को कई बार भगवान के दर्शन हुए लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। तो कहने का तात्पर्य कि उनके जीवन में कथा नहीं थी। विभीषण जी को भगवान मिले लेकिन पहले उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया। तो कहने का तात्पर्य जब तक व्यक्ति भगवान नाम का आश्रय नहीं लेगा कथा का आश्रय नहीं लेगा तब तक भगवान भी उसके सामने प्रकट हो जाएं तो भगवान परिवर्तन नहीं ला सकते। तो जीव में जो परिवर्तन लाती हो भगवान की मंगल में कथा है। ये कथा जब कानों के माध्यम से अंदर जाती है ऐसे महापुरुषों के माध्यम से तो हमारे अंतःकरण को पावन पवित्र करती है और उसी अंतःकरण में हम और आप ठाकुर जी को पधराते हैं। तो आइए हम और आप इस मंगलमय कथा का आनंद लें, लेकिन उसके पहले जिस मंगलमय उद्देश्य को लेकर परम पूज्य महाराज श्री के साथ आज पूरा देश विदेश खड़ा हुआ है
पावन पवित्र सरधाम वृंदावन की पावन धरा पर मनो मंदिर निर्माणार्थ संकल्पित श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। तो आज तो एकादशी भी है, पुरुषोत्तम मास भी है और बिल्कुल आप सब टीवी खोलकर बैठ चुके हैं, तो आप सभी का मनुश्री मानव सेवा संस्थान परिवार के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन सादर जय सियाराम। तो बिल्कुल आज आप अधिक से अधिक मानव मंदिर के लिए जो भी भक्त आज 1 फुट 2 फुट 5 फुट 10 फुट की सेवा देना चाहते हैं अवश्य संपर्क करें। साथ ही साथ आप हमारे मनुश्री मानव सेवा संस्थान परिवार के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र छोटी सी सेवा राशि है 21,000 रुपए भी देकर आप आजीवन सदस्य बन सकते हैं। आपके उस 21,000 से उन वृद्ध माताओं को, उन वृद्ध पुरुषों को, हमारे वृद्ध जो भी रहेंगे मानव मंदिर में, उनको आजन में वहां से भोजन प्रसाद की सुविधा कराई जाएगी, तो अवश्य आप सब उसके भी सदस्य बनिए। साथ ही साथ मानव मंदिर में आप अपनी एक कुटिया, वानप्रस्थ कुटिया बुक करा सकते हैं 2,51,000 रुपए में। साथ ही साथ ये वृंदावन धाम है, ब्राह्मण देवताओं की मंगल में सन्निधि में जो भी हमारे यजमान बनते हैं, पोथी यजमान, उनका मंगल में पाठ चलता है, 18,000 श्लोकों का पाठ चलता है। आपके अंदर भी ऐसा संकल्प उठ रहा हो कि हम भी पुरुषोत्तम मास और आज एकादशी की घड़ी है तो हम भी फोन लगाएं और लगातार ये पुरुषोत्तम मास की दूसरी कथा है, तीसरी चौथी कथा कि आप जरूर यजमान, सही यजमान, दैनिक यजमान या पोथी यजमान बनकर भी भगवान की अतिशय कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ महाराज श्री का जो मंगलमय अभियान चल रहा है वृक्षारोपण का, तो पूरे देश विदेश से भक्तों के फोन आ रहे हैं, लगातार वृक्षों के लिए फोन आते हैं, तो आज के दिन वृक्ष लगाने की तो और महिमा है, तो अधिक से अधिक 1 वृक्ष 2 वृक्ष 4 वृक्ष के लगाने के लिए आप उन्हीं नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी महाराज श्री के माध्यम से अपने घर में, परिवार में, तीर्थ में या वृंदावन में राम कथा, भागवत कथा या देवी भागवत या भक्तमाल की कथा कराना चाहते हैं वो भी भक्त संपर्क करेंगे। तो मैं विलंब न करते हुए महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा और भागवत के महात्म्य लिखा है कि एकादशी के दिन भगवान की कथा मिल जाए तो अतिशय भगवान की कृपा होती है और एकादशी के दिन जो भगवान की कथा नहीं सुनता वो चंडाल के समान हो जाता है। तो हम सबको कथा मिल रही है, दान करने का भी मौका मिल रहा है, धन में 15 प्रकार के अवगुण होते हैं, दान के माध्यम से उनका सब समन हो जाता है। तो अधिक से अधिक कथा का आश्रय लेते हुए मानव मंदिर से जुड़ जाइए, मनुश्री मानव सेवा संस्थान परिवार से जुड़ जाइए और अधिक से अधिक बांके बिहारी की कृपा आपके घर तक पहुंचेगी। आइए जयकारे के साथ हम सभी चलते हैं व्यासपीठ की ओर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद भागवत महापुराण की जय। जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राधे, कैसे हैं आप सब? गोविंद की आनंदमयी कथा और उनका कथा रूपी प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन का आनंद लूट रहे हैं हम सब, तो ये बड़े भागों से मिला है। चातुर्मास, पुरुषोत्तम मास और आज तो एकादशी। जय हो हमारे गोविंद की, जय हो गोविंद के प्यारों की, आपकी सबकी। तो आइए पवित्र कथा में प्रवेश करें, आनंद लें अपने जीवन का परम कल्याण, परम कल्याण। केशवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा हे Shiva Madhava He Deva Madhu Sudhana Shiva Madhava
मधु सुदया
देवा 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 रे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। हम उस कृष्ण को आराधने बैठे हैं जिसके अनेकों नाम हैं, जिसकी अनेकों लीलाएं हैं। उस लीलाधर श्री कृष्ण माधव के चरणों में हम सब का प्रणाम है। और यह आनंदमयी जीवन जो उसने दिया है, इस जीवन को उसके चरणों की प्रीति मिल जाए, बस यही एक आस लेकर ये जीवन की यात्रा की सुगमता को पूर्ण करने का एक प्रयास है। बस वो कृपा कर दे, बस वो एक बार नजर भर के देख भर ले। पूरा जीवन हम जैसे तैसे कैसे करके जीते हैं,
लेकिन जीवन की सबसे बड़ी अगर कोई सुंदरता है तो वो भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों की प्रीति। जीव का सबसे बड़ा अगर कोई ऐसा कारण जो वो पाना चाहता है तो इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता कि उसे परमात्मा की सन्निधि मिल जाए, उसे गोविंद की प्रीति मिल जाए। जगत मिला है, जगत का प्रेम मिला है, माता पिता भाई बंधु सखा जगत सब मिला है, लेकिन उन्हें भी हम मिले हैं। जैसे हमें कोई मिला है वैसे उन्हें भी हम मिले हैं, और हम सब एक दूसरे से मिले जरूर हैं लेकिन परमानेंट नहीं मिले। एक दिन शरीर छूटेगा, एक दिन नाता टूटेगा, और उसके बाद न कोई था न कोई होगा। लेकिन हम जब नहीं थे तब भी बांसुरी बज रही थी, जब हम हैं तब भी मधुर बांसुरी बज रही है, और जब हम नहीं होंगे तब भी मधुरम बांसुरी बजती रहेगी, अर्थात वो अपनी लीला करते रहेंगे। उनकी लीला जब कुछ नहीं होता तब भी चल रही होती है, जब होता है तब भी चल रही होती है, जब सब खत्म हो जाता है तब भी चल रही होती है। तो वो साक्षात परम सत्य और उसकी सत्ता को जानने का विषय श्रीमद् भागवतम और ये पावन धरा श्रीधाम वृंदावन। ये हम सबका सौभाग्य कि हमको इस पवित्र अधिक मास में सुंदर भागवत सुनने का सौभाग्य बड़े पावन दिनों में, और बड़ी पावन आज तो एकादशी भी है, बड़े आनंद का विषय है। हम सब वैष्णवों के लिए जीवन का बहुत बड़ा आधार है, एकादशी व्रत जीवन में धारण जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन हमारा शरीर संतुलित होता है। शरीर का संतुलन अगर सही है तो बाकी सब संतुलन ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके शरीर का ही संतुलन बिगड़ा हुआ है, आदि व्याधि बीमारी आदि इत्यादि अगर हैं, तो फिर आप अपना मन परमात्मा में कैसे लगा पाओगे? भाई कहीं ना कहीं तो आपको शरणागति में जाना होगा, और शरणागति में जाने के लिए आपको चाहिए कि आपका शरीर स्वस्थ हो, तभी तो आपको तीर्थ करवा पाएगा, 3 घंटे बैठ के कथा सुनवा पाएगा, तभी तो आपके जीवन का कल्याण करवा पाएगा। सब तभी ही होगा, वैसे तो नहीं होगा। तो हमारी जीवन की भक्ति सदा अमर रहे उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एकादशी व्रत के लिए हमें प्रेरित किया। वैसे तो हिंदू सनातन संस्कृति में एक नहीं हजारों व्रत हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि हम व्रतों का पालन करते हैं, और उन व्रतों के वजह से हमारे जीवन में शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। लेकिन अब कई बार देखने में आता है कि व्रत की धारणा लोगों की बदल गई है। एकादशी मतलब 11 हो गई है, और 11 मतलब 11 तरह के पकवान हो गए हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि जब व्रत के दिन आते हैं तो हम ज्यादा खाते हैं, ऐसा देखने में आया है। जबकि व्रत का मतलब फल आहार, फलों का आहार। ठीक है, आपका शरीर थोड़ा बहुत कुछ ये है तो आप हल्का आहार दे लीजिए, लेकिन देखने में तो यह आता है कि जिस दिन व्रत है उस दिन कढ़ाई चूल्हे से उतरती नहीं है, कभी कुछ बन रहा है कभी कुछ बन रहा है। इतना साइकोलॉजिकल बना लिया है कि जिस व्रत से आपके शरीर की शुद्धि होनी है। भाई क्या था, जब ब्रिटिशर्स आए, जब अंग्रेज आए, उसके पहले तक
हमारे यहाँ एकादशी का उत्सव बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया जाता था। एकादशी दशमी से आरंभ होती है, दशमी की संध्या से, और पूरी एकादशी और फिर द्वादशी के दिन जाकर उसका पारायण होता है। तो दशमी की रात्रि से ही रात्रि का भोजन, शाम का भोजन हल्का हो जाता है, और उस भोजन के बाद फिर दूसरे दिन सिर्फ फलों का आहार लिया जाता है। रात्रि में पूरी रात्रि भगवान का भजन किया जाता है और द्वादशी के दिन भगवान का पारायण किया जाता है, और उसके बाद भोग लगा कर मांगे की जो भी जैसा भी है करते हैं। तो ये प्रक्रिया थी। लेकिन आज आप किसी से कहो भैया व्रत रखा करो एकादशी, अरे हम इन सब रट्टों में नहीं पढ़ते, हम इन पचड़ों में नहीं पढ़ते। कारण वो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, इसलिए उनको लगता है कि व्रत हमें नहीं करना चाहिए। और जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख गए, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, वो कह रहे हैं कि भारत में जो एकादशी व्रत होता है वो दुनिया में एक ऐसा व्रत है जिससे जिसके करने वाले को कभी कैंसर नहीं होगा। अब दोनों ही चीजें कंट्रोडक्टरी हैं। तो ये मध्य की स्थिति जो होती है ना, जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गड़बड़ यही है। आप देखना हट्स में, पिज्जा हट्स में और दूसरी जगहों पर को मतलब रेस्टोरेंट में, तो वहां पर सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो महंगे कपड़े पहनते हैं, जब वो खाना परोसवाते हैं तो वो उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, भैया एक थम्सअप ले आओ, एक लिमका ले आओ, एक ये ले आओ, एक वो ले आओ, है। जबकि आयुर्विज्ञान कहता है, आयुर्वेद कहता है कि खाने के बाद पानी भी नहीं पीना है, नहीं तो पानी पी लिया तो वो सारा जो आपने खाया अंदर सड़ेगा, उससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जठाग्नि काम करेगी, उस हमने जो अंदर डाला है, अंदर एक अग्नि जो जठाग्नि है वो एक्टिवेट होगी, वो उसको उसको गर्म करेगी, गर्म करके उसमें से केमिकल जो जो उसके केमिकल है वो निकाल कर अपनी अपनी जगह पर जो जो उसके अंदर रसायन निकल रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है वो उस दिशा में अलग अलग पार्ट में भेज देती है, भाई ये तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम वहां जाओ शरीर का निर्माण करो। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर पानी पड़ जाता है जठराग्नि शांत हो जाती है, वो भोजन पकेगा नहीं, वो पकता नहीं है तो क्या होता है, फिर वो सड़ता है, और सड़ता है तो हमें बीमारियां शुरू हो जाती हैं। जीवन में जहां ये जाना जाता है कि भोजन के बाद पानी विष है, हमने सबने सुना है ना, और वहां पर आप ठंडी बर्फ डाल डाल के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और आप कहते हो कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम यहां मैनेजर हैं, हम वहां सीईओ हैं, हम वहां ये हैं, वहां ये, तुम मेरी नजर में अंगूठा टेक से ज्यादा कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें इतना मालूम है नौकरी कैसे करते हैं और इसके अलावा तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, और इसलिए तुम सिर्फ पैसा ला रहे हो मगर उस पैसे की गति कैसे होनी चाहिए वो भी तुम्हें नहीं मालूम। तुम्हारे पास घर का मैनेजमेंट नहीं है, तुम्हारे पास पैसे का मैनेजमेंट नहीं है, तुम्हारे पास शरीर का मैनेजमेंट नहीं है, तुम्हें इतना मालूम है कि सुबह से लेकर शाम तक किसी का ऑर्डर सुनना है और जो वो कहे वो करना है और एक सैलरी का पैकेट मिल जाएगा, मगर तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि मनी मैनेजमेंट क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम जहां खड़े हो जाते हो जो जो समझ में आ जाता है भैया पैक कर देना, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास एक कार्ड होता है और तुम्हें लगता है अरे कार्ड तो है ना स्वैप करा लेते हैं, ऐसा लगता है कार्ड में ऊपर वाला कुबेर के यहां से सीधे डायरेक्ट कनेक्शन हो, आपकी तनख्वाह का पैसा नहीं कटता हो, वो तो वहां से कट जाता हो। खर्चा, दुनिया में खर्चा करना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। कुछ लोग तो जीवन को होड़ में जी के पूरी जिंदगी पैसे बर्बाद कर देते हैं, पूरी जिंदगी। तो भैया ये जो एकादशी है इसका कारण समझ लीजिए, दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जो कि जापान के हैं उन्होंने कह दिया इस बात को
और उन्होंने इसी के ऊपर शोध किया और उन्होंने बताया कि जो लोग एकादशी रहते हैं भारत में और जिनमें जिनमें जो लोग निर्जला एकादशी रहते हैं, अर्थात कई लोग ऐसे हैं जो एकादशी निर्जल रहते हैं प्रत्येक एकादशी, उनको कभी कैंसर नहीं हो सकता। अब आप सोचो कितना बड़ा विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों को पहले से मालूम था। अब इसकी थोड़ी सी बारीकी समझें। जो हम 13 दिन खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं, उसके साथ वातावरण का जहर भी हमारे अंदर जाता है सूक्ष्म रूप में, और वो जहर हमारे अंदर इकट्ठा होता रहता है। वो इकट्ठा होते 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 हमारे ऋषियों ने कहा कि इसकी अवधि है, इसको कैसे दूर किया जाए। तो 13 दिन का पूरा कार्यकाल है, जो आपका क्वारंटाइन का भी कार्यकाल है, उस 13 दिन के कार्यकाल में जमा विष को एकादशी के दिन, दशमी के दिन से आप रात्रि हल्का कर दें, एकादशी के दिन आपको सिर्फ फल खाने हैं, सिर्फ फल। आजकल तो बोला फलाहार, हाँ फलाहार, क्या किया फलाहार में, हमने कुटू का ये किया, हमने फला पकौड़ी खाई, हमने ढिमा ये किया। अरे भैया फलाहार, उनको यही नहीं मालूम कि फल आहार बोल रहे हैं हम, फलों का आहार फलाहार है, लेकिन कोई मानने को ही तैयार नहीं है। नए नए व्यंजन और बनवा लो उनसे। तो वो जो विष हमारे 13 दिन के खान पान से जो शरीर में इकट्ठा हो गया है, उस विष को निकालने की ताकत फलों में होती है। फल शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिसको बोलते हैं टॉक्सिन्स, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, उन टॉक्सिन्स को खींचने का काम फलों में ताकत होती है। तो एकादशी के दिन हम फल खाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा निषेध चावल है, नहीं खाया जाता उस दिन, फल खाते हैं। तो जब सारे दिन आप फल खाओगे तो खाते खाते वो सारे शरीर का जो विष है वो खींच लेते हैं और वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो जब शरीर से बाहर निकलता है, एक प्रक्रिया, दूसरा 13 दिन तक आप मजदूरी करते रहे। भाई पहले तो खेत खलियान यही सब था, बड़ी मेहनत होती थी जीवन में, तो अपने गए करे तो पहले हमारे यहां आज से 350-350 वर्ष पहले तक जब एकादशी मनाई जाती थी तो हमारे यहां एकादशी की छुट्टी मनाते थे। जैसे आज आप रविवार की छुट्टी मनाते हैं, हमारे यहां छुट्टी मनाई जाती थी एकादशी की, और ये छुट्टी शुरू होती थी शनिवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह तक। जैसे आजकल पश्चिम सभ्यता में सैटरडे संडे की छुट्टी चलती थी, अब यहां भी आ गई है, तो वो सैटरडे संडे को रिलैक्स मूड करना चाहते हैं, इधर जाना उधर जाना। हमारे यहां बताया गया था रिलैक्स कैसे करें, रात भर नाचो गाओ भजन करो महाराज, रात भर नाचो गाओ, खूब भगवान का भजन करो, और जितना आप भगवान का भजन करोगे आपके शरीर से पसीना भी निकलेगा, आपके टॉक्सिन्स भी साफ होंगे और आप सुबह तक बिल्कुल चार्ज हो जाओगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। फिर आप अगले 13 दिन की तैयारी जो करना है सो करो। ये एकादशी के व्रत का वैज्ञानिक पक्ष है, या किसी भी व्रत का अपना एक वैज्ञानिक पक्ष है। आपको चाहिए कि अपने जीवन में आप एकादशी का व्रत जरूर रखें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें एकादशी के व्रत में धान अर्थात चावल का प्रयोग निषेध माना गया है, उसे तो हाथ भी नहीं लगाना, ना खाना है ना किसी को देना है। और महाराज उसको मांस माना गया है, आज के दिन भक्षण करने वाला मांस भक्षण माना गया है, सोच लीजिए आप। अब थोड़ा सा और गहराई से समझो तो पोहा भी चावल है, कई लोगों को नहीं मालूम। पोहा, चिवड़ा, ये सारी चीजें चावल के बने पदार्थ या चावल से बचना है। तो जीवन को जीते वक्त हमें ये इतने सुंदर मौके मिले हैं कि हम इस नियम को धारण करके अपने जीवन का परम कल्याण कर सकते हैं और करना चाहिए। जो जीव इन बातों को नहीं समझता वो जीव सदा दुखी रहता है।
हो सकता है आपको शुरुआती दौर में व्रत रखने में दिक्कत हो, तो एक समय कुछ खा लो, आप हैवी खा लो, फिर धीमे 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 आप देखेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। और हमने तो नोटिस किया है कि जिस दिन व्रत होता है उस दिन पता ही नहीं पड़ता भूख होती भी है कि नहीं, वैसे दिनों में लगेगी, पर जिस दिन व्रत है उस दिन भूख ही नहीं लगती। कई कई बार तो तीन तीन चार चार दिन का व्रत हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता चार दिन से कुछ खाया ही नहीं। व्रत इस शरीर को अच्छा रखने के लिए है। आपका शरीर सही है तो आप सारा जीवन अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि शरीर सिर्फ भोजन के लिए नहीं मिला साहब, भजन के लिए भी मिला है। तो थोड़ा भोजन थोड़ा भजन इन दोनों का समावेश हो। ज्यादा भोजन हो गया तो फिर निंद्रा देवी के आश्रय में जाने को जी चाहता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आपको बता देना चाहता हूं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपने भोजन को संतुलित करें, ठंडी चीजों से बचें। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा और उससे बहुत कम, दोनों ही चीजें आपके लिए गड़बड़कारी हैं। कोई भी चीज आप टेम्परेचर लेते हैं तो। परम आनंदमयी कथा में कल हमने जाना भगवान की अतिशय कृपा और भगवान की परम पावन कथा को सुनने विदुर जी मैत्री जी के समीप बैठकर कथा सुन रहे हैं। उस परम कथा को श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, सूत जी सौनिकादिकों को सुना रहे हैं, दास आपको सुना रहा है। और यह परम पावन कथा हमारे जीवन के परम कल्याण के लिए हमारे जीवन का आधार बन जाती है। बताया ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा ने मानस सृष्टि की रचना करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने जब मानस सृष्टि की रचना करने का ही तो यहां आया है वर्णन कि नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और चतुश्लोकी भागवत सुनाने के बाद फिर ब्रह्मा ने पृथ्वी और लोकों का पूरा ब्रह्मांड का सृजन किया। जब ये सृजन कर दिया तो ये सृजन आगे बढ़ता गया और एक बार उन्होंने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। मनु और शत्रुपा को सृष्टि को आगे ले जाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया और बड़े धन्यभाग मानकर दोनों ने कहा कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम करें कैसे, हम रहेंगे कहाँ, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल है। तब ब्रह्मा जी की दाहिनी नासिका से एक जीव बाहर निकलता और देखते ही देखते वो वराह का रूप धारण करके अपना सुंदर रूप दिखाता है और वराह भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए वराह भगवान की जय। पिछली कथा में आपसे मैंने वराह भगवान के पूरे साइंस के बारे में बात की थी। तो वराह भगवान प्रकट होते हैं, वो जाते हैं भूमि के अंदर, रसातल में जाते हैं, अपनी नासिका से उखाड़ उखाड़ के पूरी भूमि को ढूंढते हैं और ढूंढकर अपनी नाक पर रखकर दांतों में फंसाकर वो पृथ्वी को ऊपर लेकर आते हैं। बस एक बार मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि आप देखिए कितनी सुंदर बात है कि वराह भगवान जब पृथ्वी को लाए तो आज से हजारों वर्ष पहले के हमारे जो मंदिर हैं उन मंदिरों में भी श्री वराह भगवान की जो प्रतिमा है उस पर पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। और आज से 400-500 पहले साल पहले के साइंस ने बताया खोज कर के पृथ्वी गोल है ना। तो आप सोचिए हमारा विज्ञान कितना पुराना विज्ञान है। आजकल लोग बताते हैं पश्चिम सभ्यता वाले की 5000 साल पुरानी सभ्यता, क्योंकि उससे ज्यादा पुरानी बताएंगे तो फिर वो उनके नंबर नहीं आएंगे, जबकि हमारी सभ्यता तो लाखों वर्ष पुरानी है। जर्मनी में अभी एक मूर्ति मिली है, जर्मनी में, और वो वराह भगवान की मूर्ति है और उसकी आयु निकाली गई है 32,000 साल पुरानी।
वो कहते हैं 5000 साल पुरानी सभ्यता है। आप जाइए गूगल पर, आप जाइए इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आपको मूर्ति मिल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको गर्व होना चाहिए कि हम जिस संस्कृति का हिस्सा हैं, ये संस्कृति बहुत महान है, बहुत महान है। और वराह भगवान का तो मैं क्या कहूं, शुद्धता शुचिता के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है। हमें पृथ्वी दी उन्होंने, और पृथ्वी देकर उन्होंने जीवन दिया। मनु और शत्रु पर रहे, उनकी उनके 5 बच्चे हुए, पहला, उनकी 3 बेटियां, फिर 2 पुत्र, आकुति देवहूति प्रसूति, और उसके बाद उत्तानपाद और प्रियव्रत, 5 बच्चे हुए। आकुति का विवाह रुचिकुमार के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। बाकी दोनों बच्चे आगे अपना लड़कों उनके जो लड़कों का है उसके आगे बताया जाएगा। महाराज देखने वाली बात है कि ये जो देवहूति हैं, देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ, और एक घटना देखिए कितनी सुंदर घटना है। महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर कर्दम जी के पास जाते हैं, कर्दम जी के पास, क्योंकि नारायण ने कर्दम जी को भी दर्शन दिए हैं और नारायण ने देवहूति को भी दर्शन दिए हैं। दोनों विवाह करना नहीं चाहते हैं और दोनों को ही दर्शन दे दिए। तो फिर जाके कर्दम जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे यहाँ प्रकट होंगे, मतलब आप बाल रूप में मेरे यहाँ आएंगे? बोला हाँ मैं आऊंगा। तो एक बार जब ये तय हो गया, भगवान ने भी दर्शन दे दिए देवहूति को, और देवहूति ने भी बोल दिया कि ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा वैसे कर लेंगे। तो आनंदमयी घटना ये घटी कि मनु और शत्रुपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर पहुंचते हैं कर्दम जी के आश्रम। कर्दम जी एक लंगोटी लगाए हैं और अपनी साधना में बैठे हैं, बड़ी सुंदर साधना उनकी। तो वहां जाके उन्होंने उनको प्रणाम किया। देखिए यहां देखिए कि जीवन के दर्शन कितने सुंदर होते हैं। तो कर्दम जी के सामने जब मनु और शत्रुपा पहुंच गए, उन्होंने प्रणाम किया जब उन्हें, तो उन्होंने 3 आसन रख दिए, 3 आसन, 3 लोग खड़े हैं सामने और 3 आसन रख दिए। एक आसन पर श्री मनु महाराज बैठे हैं और एक पर बैठ गई उनकी श्रीमती जी शत्रुपा। अब तीसरा आसन जो डला हुआ है, उस तीसरे आसन पर बैठना चाहिए किसको? देवहूति को। अब देवहूति देखिए, जबकि भगवान कह चुके हैं, जबकि नारायण साक्षात कह चुके हैं अब देवहूति से तुम्हारा विवाह तय, भगवान ने दर्शन दे दिया। देवहूति बड़ी सुंदर हैं, बड़ी ज्ञानी हैं, बड़ी विवेकी हैं। एक बार छत पर बैठनी है तब नारायण ने इनको दर्शन दिए, इतनी इतनी प्रभावशाली है देवहूति। तो नारायण से बोलती है, नहीं मुझे शादी वादी नहीं करनी, विवाह नहीं करना। अरे बोला बेटी चिंता मत करो, मैं आऊंगा तुम्हारे यहां, आप आओगे तो ठीक है। देवहूति के सामने एक आसन है और अब कर्दम जी उस लड़की की परीक्षा ले रहे हैं जिसके लिए भगवान यश कर चुके हैं। देखो हमारे यहां भक्त कितने बड़े बड़े हुए हैं। कर्दम जी को मालूम है कि नारायण की प्रेरणा हो चुकी है, नारायण ने दर्शन दे दिया, उसके बावजूद भी वो परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने आसन छोड़ दिया, बैठिए। अब यहां ये जानती हैं कि मेरा विवाह इनसे होना है, ये मेरे पति हैं। अब ये कह रही हैं कि अगर इस आसन पर मैं बैठ गई, अगर मैं इस आसन पर बैठ गई तो पति के सामने इस तरह से बैठना मर्यादा नहीं है, पहली चीज। और नहीं बैठी तो आज्ञा का उल्लंघन है। अब मैं क्या करूं? तो देवहूति ने कितना सुंदर कार्य किया, और बस उस कार्य को देखते से ही कर्दम जी ने कह दिया ओके हम विवाह करेंगे इनसे। उन्होंने क्या किया कि जो आसन लगा था उस आसन के बाईं ओर आ गई, वामांगी हो गई, वामांगी होकर बैठकर उस आसन पर हाथ रख लिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, कर्दम जी ने कहा मुझे आपकी पुत्री से विवाह मंजूर है। मतलब क्या बताया उसने कि मैं आपकी वामांगी बनने जा रही हूं, मेरा स्थान ये है और आपका जो स्थान है
उस पर मैं हमेशा पति के रूप में मेरा आपके ऊपर अधिकार है। ये है वैशिष्ट स्त्री धर्म का। दुनिया की सभ्यताओं की धुरी है स्त्री। स्त्री को चाहिए कि वो अपने जीवन को बहुत बहुत तपस्या के साथ जिए। और मैं तो आज चर्चा चल रही थी सुबह कुछ भक्त जनों से, मैं कह रहा था कि दो लोग, एक ब्राह्मण और एक स्त्री, अपने धर्मों के प्रति सज्ज हो जाएं तो कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो वापस सतयुग में ना चला जाए। क्योंकि स्त्री के पास शक्तियों की कमी नहीं है, स्त्रियों के पास विवेक की कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि आज की चकाचौंध और बहुत सारी चीजों ने दोनों ही लोगों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जिस देश का, जिस समाज का शिक्षक अपने कार्य को पूर्ण नहीं करेगा, पूर्णता से नहीं करेगा, वो समाज कभी सफल नहीं हो सकता, वो समाज कभी अपनी गति नहीं पा सकता। और जिस घर की मां अपने नियम और आचरण और मर्यादा का पालन नहीं करेगी, वो आने वाली संतानों को कभी जीवन में बड़ा आदमी नहीं बना सकती। बड़ा आदमी से मतलब महान नहीं बना सकती। ये दोनों ही लोग, एक शिक्षक और एक स्त्री, इन दोनों से ही राष्ट्र चलेगा, समाज की कोई भी व्यवस्था इनसे चलेगी। इन दोनों का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। और ये दोनों अगर अपना कार्य संभाल लें अगर अच्छे से, तो फिर इस समाज के अंदर फिर कोई कमी रह ही नहीं जाती। सब बराबर हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। कर्दम जी का विवाह देवहूति के साथ होता है और दोनों बड़े आनंद के साथ रहते हैं। छोटी वाली का विवाह सती के हुआ, इनकी बेटी हुई सती जो दक्ष की पुत्री थी, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ, उन्हीं की इच्छा से हुआ। और आगे जाकर आप जानते हैं कि सती के साथ घटना हुई, सती को सती होना पड़ा। अब ये सती सती क्यों होती है? सती को सती तब होना पड़ता है जब वो अपने विश्वास रूपी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती। पुरुष है विश्वास, स्त्री है श्रद्धा। जब भी श्रद्धा अपने मन से चलेगी तो उसका विश्वास कम होगा। जब भी श्रद्धा अपनी मनमानी करेगी उसका विश्वास कम होगा उसके प्रति, और जब विश्वास कम हो जाएगा तो उस श्रद्धा को जलना पड़ता है, उस श्रद्धा को फिर खत्म होना पड़ता है। और जब भी श्रद्धा जलती है, विश्वास को शिव की तरह भटकना पड़ता है। विश्वास फिर गुम हो जाता है, वो समाधि में चला जाता है। शिव सती को लेके लोग को अंतरिक्ष की यात्रा करने लगे, इतने व्याकुल हो गए लेकर, तब नारायण ने अपने चक्र से उनके हिस्से किए और शक्तिपीठ स्थापित हो जाते हैं। और उसके बाद भगवान शिव साधना में चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी मधुरता स्त्री और पुरुष के, पति और पत्नी के जो संबंध हैं, उन संबंधों में अगर श्रद्धा और विश्वास है तो उनके घर पुरुषार्थ का कार्तिकीय और धर्म के गणपति पैदा होते हैं। अगर आपके जीवन में श्रद्धा और विश्वास है दोनों में एक दूसरे के प्रति, तो अगर मान लीजिए किसी में कभी कोई विषय रूपी विचार भी आ गया तो वो श्रद्धा और विश्वास उस विचार को समाप्त कर देता है, भस्म कर देता है। और ये आज के समाज को इस बात की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज का जो समाज है, आज की जो स्थितियां हैं, वो बड़ी विकट है। और ऐसी स्थिति में इस ज्ञान को पाने की हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है। एक सिद्धांत जीवन में अवश्य रखिए कि परमात्मा ने जो बंधन दिया है
उस बंधन पर विश्वास कीजिए। और अगर तुम उस बंधन पर विश्वास नहीं कर रहे तो तुम्हारा परमात्मा पे विश्वास नहीं है, और जो तुम्हारा परमात्मा पे विश्वास नहीं है तो परमात्मा को फिर पाने की चेष्टा जो कर रहे हो वो झूठ है। फिर आप समझ लो फिर कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तो सारी चीजें गौण हैं, छोटी हैं। सती को सती होना पड़ा, और अंत में जाकर जब वो सती हो रही थी तो भगवान श्री राम का ध्यान करती हैं। अब भगवान श्री राम से कहती है कि मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर देना, बस एक ही चीज़ मैं चाहती हूँ, अगले जन्म में मुझे, हर जन्म में मुझे, आने वाले जो अनेकों जन्म में मुझे उन्हीं की अर्धांगिनी होना है, मतलब शिव की अर्धांगिनी होना है, आप कृपा बनाए रखना। श्री राम कृपा करते हैं, और बड़ी कृपा के बाद इनको पार्वती के रूप में हिमालय की बेटी बनने का सौभाग्य मिलता है, और तब जाकर पुनः भगवान शिव के साथ माता पार्वती का विवाह होता है। कथा आपने पिछली राम कथा में सुनी थी, और आनंद की बात यह है कि भगवान के एक एक चरित्र को अगर हम बहुत ध्यान से बहुत आनंद से देखें तो लगता है कि हम ही जी रहे हैं। आप फिर उनसे अलग नहीं हो जाते, आप उसमें विलीन हो जाते हो, समरूप हो जाते हो, और जो हम समरूप हो जाते हैं वही जीवन का हमारा आधार होता है। जीवन को जीने की जो प्रक्रिया है वो जो समरूपता है, उस समरूपता को जिस जीवन ने कर लिया वो जीवन धन्य है, बहुत बहुत धन्य है। इसी क्रम में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते हैं कि उत्तानपाद की पत्नी सुरुचि और सुनीति, उनकी प्रथम पत्नी है सुनीति और द्वितीय पत्नी है सुरुचि। अब इस कथा के बस विज्ञान को समझने, पिछली बार आपने कथा विस्तार से मैंने आपको बताई थी, ये है हमारी मति, और मति हमेशा दो होती हैं, एक हां वाली और एक ना वाली, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हर जीव की दो पत्नियां हैं, हर जीव की दो पत्नियां हैं, एक नीति है और एक सुनीति है, अर्थात एक धर्म है और एक अपने मन की मौज है। ध्यान रखिएगा, धर्म हमें सिखाता है नैतिकता से जो भी कार्य धर्म ने बताए हैं वो धर्म नीति के अनुसार जो होता है वो सुनीति है। हमारे घर वालों ने पूरा हमारे लिए व्यवस्था की, रिश्ता और सारी चीजें करी, 50 रिश्तेदार इकट्ठे हुए, वैदिक परंपरा से हमारा विवाह हुआ, ये सुनीति है। और दूसरा, हमें कोई पसंद आ गया, किसी को हम पसंद आ गए, हम कहीं चले गए और वहां से जाकर बोलते हैं कि साहब वी गॉट, हमने तो कर ली, ये सुरुचि है। जो धर्म के हिसाब से कार्य होता है वो सुनीति है, जो आपके मन के हिसाब से कार्य होता है वो सुरुचि है। सुरुचि जो होती है और जो सुनीति होती है, सुनीति का जो फल होता है वो ध्रुव होता है, और सुरुचि का जो फल होता है वो उत्तम होता है। उत्तम का मतलब कभी अच्छा नहीं माना जाता, ये दो शब्दों से मिला है, तो जो उत है उसका मतलब नीचे, डाउन माना गया हमारे यहां। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे वो सुनीति है, और जब हम अपने मनमाजी कुछ भी करेंगे तो वो सुरुचि है। जैसे धर्म कहता है, आज जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर आज एकादशी है, तो धर्म कहता है आज के दिन दान धर्म, कथा सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, ये रखना चाहिए, सारी चीजें करनी चाहिए, एक हो गया, और चावल नहीं खाना चाहिए, ये हो गया धर्म। अब कोई व्यक्ति कहे देखो भैया हम भगवान को तो बहुत मानते हैं, पर अगर हमारी इच्छा ये खाने की है तो हम तो खाएंगे, उसमें बुराई वाली कौन सी बात है, भगवान ये थोड़ी कहेंगे कोई भूखा रह जाए, अरे वो भी तो हम भी तो भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के बच्चे अगर रो रहे हैं कुछ खाने के लिए तो माता पिता भी तो दिलवा देते हैं, तो हम भी खा लेंगे। ऐसे लोग हजारों लाखों करोड़ों हैं,
अपने मन की करने वाले, अपने तरीके से दान धर्म करने वाले, अपने तरीके की मर्यादाएं मतलब तोड़कर अपने तरीके के नियम जो शास्त्र में नहीं लिखा, और आप कहो नहीं हमारा मन है ऐसा करने का, आपके मन की नहीं चलेगी, आप सुरुचि हैं, भले ही आप लाखों का दान कर दें मगर अगर नीति से नहीं किया तो वो दान लगेगा नहीं आपको, ध्यान रखिएगा। लाखों की सहायता कर दें लोगों की पर नीति से नहीं किया, लगेगा नहीं आपको। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया, किसी ने कहा एक काम करो, आपके साथ ये संकट है, आप किसी छोटी बच्ची को अपने घर बुलाओ, भोजन कराओ, बढ़िया सुंदर वस्त्र दो, उसका टीका करो और सब सुंदर अच्छा उसको बढ़िया संपन्न कर खुश करके भेजो। आपने कहा ये ठीक है। अब आपने कहा हम किसी बच्ची को बुलाएंगे और बताया है कि महंगे अच्छे वस्त्र भी देना है, उसको दक्षिणा भी देनी है, उसको भोजन भी कराना है, इससे तो अच्छा हम अपनी अपनी भतीजी को ही ले आए, अपनी भांजी को ही ले आए, अपनी इसी को ले आए, अपने अरे सामने वाले जरा ठीक ठीक है, इनसे रिश्ता भी बढ़िया है अपना, एक काम करो उनकी बच्ची को बुला लो, रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। तो तुम दान कर रहे हो कि रिश्ते निभा रहे हो? तुम्हारा दान नहीं लगेगा। और ज्यादातर लोग यही शॉर्टकट अपनाते हैं, अरे तुम्हें तो अगर ऐसा मिला है तो एक ऐसी बच्ची को ढूंढना है जो किसी झोपड़ी में हो, जिसके जो दुख से भरी जिंदगी हो जिसकी, उसको तुम बुलाओ, उसको सुंदरता से भोजन कराओ, और उसको जब तुम वो सारा दोगे भगवती साक्षात आशीर्वाद देगी तुम्हें, भगवती देगी। लेकिन तुम्हें इस बारे में ये लगता है कि हम दान तो कर ही करें, लौट के अपने घर भी आ जाए, दान भी करें और लौट के घर भी आ जाएं, ये कोई बात, ये बात ही गड़बड़ है आपकी। तो ये सुरुचि है और सुरुचि हमेशा गड़बड़ काम कराएगी। और सुनीति जो धर्म कहता है, धर्म के अनुसार जो धर्माचार्य कहते हैं, जो ब्राह्मण देवता कहते हैं, जो शास्त्र बता रहा है, आप जब वैसे ही दान धर्म सत्कर्म करते हैं तो आपके जीवन का कल्याण होता है, आपके जीवन का कल्याण होता है। तो आपको चाहिए कि अपने जीवन को जीने की जो कला है आपकी, उसमें पहले तो ये दिमाग में लगाओ कि आप सुनीति से चल रहे हो या सुरुचि से चल रहे हो। जो कार्य धर्मसंगत नहीं है, अब आपने तो कहा कि नहीं साहब आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मन है किसी भूखे को हमने दे दिया, वो आपका मन हो सकता है, वो आपकी रुचि हो सकती है कि आपने ऐसा किया, लेकिन धर्म नहीं कहता तो उसमें आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। धर्म श्रेष्ठ है, हम सब धर्म के अंदर अंतर्गत हैं, धर्म हमारे अंतर्गत नहीं है, हमारा जीवन धर्म से चलता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमें उस धर्म का पालन करना है जो हमारा वैदिक सनातन धर्म है, हमारे शास्त्र, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारे संत, हमारे ब्राह्मण जो बता रहे हैं, और वो जो बता रहे हैं वो भी शास्त्र के अनुसार ही है तो वो सही है, ये भी ध्यान रखना। अब तुम कहोगे ये हमें कैसे पता पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो, क्या बुराई है? पढ़ने लिखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, करते रहो, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो एकादशी के व्रत को जरूर करें, जीवन में आनंद चाहिए तो, बीमारियों से बचना है तो, बाकी आप और आपका पेट मुबारक हो आपको, क्योंकि दो ही तरीके के लोग होते हैं पूरी दुनिया में, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। वो सब ठीक है साहब, ये बताओ क्या बना है आपके यहां? कुछ लोग मिलने नहीं आते, कुछ लोग ये देखते हैं कि क्या बना है, खाने की तैयारी, खुशबू कहां से आ रही है, अरे भाभी जी जल्दी बनाओ, बस पेट में चूहे कूद रहे हैं। कहने का तात्पर्य जीवन की जो आधारशिला आपकी है इकाई के लिए है, इसको भी बहुत निरीक्षण करने की जरूरत है, और अगर ये निरीक्षण नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ हुई
तो गड़बड़ क्या हुई कि तानपा, यहां पर जो तानपाद है इसकी जो प्रथम पत्नी है घर से बाहर निकाल दिया, जबकि वो गर्भिणी हो गई थी, इसको पता नहीं पड़ा हुआ भगवान की लीला, और यहां दूसरी ले गया और दूसरी के साथ भी उसको पुत्र हुआ, उत्तम कहलाया, और वहां पहली पत्नी से उसको ध्रुव होते हैं, दूसरी पत्नी से उत्तम होते हैं। उत्तम बहुत लड़ाकू और अच्छा राजा नहीं हुआ, उसको कई बार ध्रुव ने जाकर बचाया। एक बार तो उसने बहुत बड़ी लड़ाई कर ली थी, उसको बचाने के लिए ध्रुव गए, ध्रुव भी उसके जैसी प्रवृत्ति में आ गए, तब देवता नीचे उतरे, ध्रुव को समझाया, ये आप क्या कर रहे हो। अंत में जाके भगवान ने उसको गति दी। तात्पर्य कहने का ये है कि कई बार संगति भी गड़बड़ कर देती है, इस संगति से भी बचें। ध्रुव जीवन में पता पड़ा 5 वर्ष की आयु में मेरे पिता राजा हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं, वहां से भगा दिए जाते हैं सौतेली माँ के द्वारा, और फिर कहा जाता है कि बेटा तेरे को कुछ चाहिए तो उससे मांग। बोला मुझे भी अब सिंहासन चाहिए, और वो सिंहासन जिससे मुझे नीचे उतारा गया उससे भी बड़ा सिंहासन चाहिए। माँ के सामने हट करते हैं, माँ समझाती हैं, चूंकि ऋषि मुनियों के साथ पले बड़े हैं तो ऋषि मुनियों के साथ ही उनको समझ में आया। अंत में जाके उन्होंने तपश्चर्या का साधन ढूंढ लिया। जब तपश्चर्या करने का समय आया, घर से निकल गए, तो मार्ग में जाते हुए उन्होंने श्री नारद जी ने देखा। नारद जी ने देखा बड़ा योग्य बालक है, और नारद जी ने कहा काश ये मेरा चेला हो जाए। देखो जीवन में कर्म की गति कितनी महान है। एक हमारे जीवन में कोई सदगुरु जरूर होना चाहिए, अगर सदगुरु जीवन में नहीं है तो सदमार्ग का मिलना बिल्कुल भी पूर्ण नहीं हो सकता, ये तय मान के चलना। आपके साथ कोई ऐसी ऊर्जा नहीं जुड़ी जिस ऊर्जा के साथ आप बड़े काम मतलब ईश्वर तक की यात्रा या उस मार्ग सदमार्ग की यात्रा करना चाहते हो, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो आप कुछ कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप अपने जीवन में किसी सदगुरु की कृपा पाने के लिए उनके पास जाकर दीक्षा लेते हो, और वो कृपा देखिए कि जब कोई सदगुरु आसमान से नीचे उतरता है, आकाश से नीचे उतरता है और बच्चे से कहता है कि बेटा मैं तुझे दीक्षा दूंगा, सोचो आप। जीवन के कर्म की गति देखिए, आप को कोई सदगुरु कह दे कि मैं तुझे चेला बनाता हूं, वो तो हजारों जीव ये कहते हैं कि मुझे गुरु कोई मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए, उस गुरु से मैं ये ले लूं, मंत्र ले लूं, अपने जीवन का कल्याण कर लूं, क्योंकि वो सिद्ध मंत्र होगा। लेकिन यहां कृपा देखिए आप, और बड़े सुंदर भाव से श्री ध्रुव जी को बताया, भगवान की प्राप्ति का साधन बताया, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, और 5-6 महीने की साधना से ध्रुव को नारायण का दर्शन हो गया। तात्पर्य कहने का यह है, जीवन में सदगुरु जरूर होना चाहिए, कोई एक ऐसा जो आपका हाथ पकड़ के आपको इस भवसागर से आगे ले जाने के लिए सज्ज रहे, कोई एक ऐसा जिसके पास आपको फूट फूट कर रोने में कोई गुंजाइश न हो, कोई एक ऐसा जिससे आप अपनी जिंदगी के दुखों के बारे में चर्चा कर सकें खुल के, कोई एक ऐसा जिससे आप आने वाले जीवन में हम कैसे जीवन को जिए चर्चा कर सकें, कोई एक ऐसा सदगुरु गुरु जीवन में जरूर होना चाहिए। कारण देखो, एक जमाने में दीक्षा बहुत सारे लोग लेते थे और लगभग हर किसी के पास दीक्षा होती थी। अब मैं कुछ विशेष बात करना चाहता हूं आपसे। पहले के जमाने में बड़ा संतुलन था घरों में, लोग आज्ञा में रहते थे, लोग अनुशासन में रहते थे, लोग हर चीज को समझते थे, तब भी गुरु दीक्षा ली जाती थी। लेकिन आज के जमाने में गुरु दीक्षा की उससे कई गुना ज्यादा जरूरत है आज के जमाने में। क्यों? क्योंकि आज कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। आज तो हालत यह है कि वो पति पत्नी दोनों एक दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसी स्थिति में कोई सदगुरु का मार्ग अगर आपके पास है तो कम से कम उस घर की समस्याओं को किसी ऐसी जगह रखकर सुलझाया तो भी जा सकता है जिसकी सब सुनने को तैयार हो, क्योंकि वहां तो कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है।
जिसकी सब सुनने को तैयार हो। गुरु जी ये बात है, मम्मी पापा मानते नहीं, बहुत लड़ते हैं, लो बात करो। नहीं गुरु जी वो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मान लो मैं कि शिकायत पहुंच जाएगी। तो एक ऐसी जगह जहां आप झुक आप स्वतः झुक जाओ, एक ऐसी जगह जहां आपको जमीन पर बैठने में आनंद आए, ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर होना चाहिए कि वो उसके सामने आपका हो, नहीं मुझे तो साफ यहां जमीन पर मैं बहुत कंफर्ट हूं, मैं आपको ऐसे देखना चाहता हूं। ऐसा कोई जीवन में आपके जरूर होना चाहिए जहां कम से कम हम हल्के हो पाओ, कम से कम आप सहज हो पाओ, कम से कम आप निर्मल हो पाओ। ऐसा कोई जीवन में आपके जरूर होना चाहिए। और अगर ये नहीं है तो तुम अकड़े पड़े रहोगे, और जो चीज अकड़ जाती है फिर उसका कुछ काम नहीं होता। आज बच्चों की समस्या मैं देखता हूं, बच्चों की समस्या के पीछे भी मुझे दिखता है कि वो दीक्षित नहीं है, बच्चों के माता पिता दीक्षित नहीं है, बच्चे दीक्षित नहीं है। अब उनकी भी जो दौड़ है बाहर की दुनिया की दौड़, वो इतनी खतरनाक हो गई है, उनको कोई संभालने वाला नहीं है, घर वालों से वो संभल नहीं रहे। सही समय पर उनको दीक्षा नहीं दिलवाई आपने, सही समय पर आपने उनको बताया नहीं कि भगवान का नाम कैसे जपा जाता है। ये बहुत सारी बारीक बारीक चीजें हैं, ये सही समय पर नहीं हो रही हैं, और जो नहीं हो रही हैं आज समाज के अंदर विकृति पैदा हो रही है। विकृति का कारण क्या है? कोई ऐसे करने वाला नहीं है। ऐसी कोई जगह जहां महीने दो महीने के अंदर, दो तीन महीने के अंदर जाकर पूरा परिवार ढोग लगा ले, दो पांच दिन वहां रहकर आनंद सत्संग ले ले, फिर चार्ज हो जाओ, फिर आगे की दुनिया में जाओ। आज की दुनिया का और अंतर यही हो गया है कि आपको टाइम टू टाइम चार्ज होना चाहिए। आप चार्ज नहीं होगे तो आपके साथ घटना घट जाएगी, आप गड़बड़ से भर जाओगे। सत्संग क्या करता है? आपको चार्ज करता है, आपके जीवन को उन्नत कर देता है, आपके जीवन में आनंद भर देता है। और ये सत्संग जो है, ये सत्संग जो है, इस सत्संग से ही आपके जीवन में वो आनंद की अनुभूति एक बार आपने कर ली तो बार बार आपको होगी। एक बार जो आपके मन में आपके रस पूरे आपने कर लिए तो फिर, और इससे इस बात का मतलब नहीं है कि आपने क्या किया क्या नहीं किया कैसे किया। कई बार लोग सोचते हैं अरे हम सदगुरु, हम दीक्षा क्यों ले, हम तो बहुत बेकार। मेरे को कई लोग आकर बोलते हैं अरे साहब हम तो ऐसे, हम तो वैसे, हम तो फलाना, हम तो ढिमका, इसलिए हम दीक्षा नहीं ले रहे हैं। दो तरह के स्कूल होते हैं, स्कूल दो तरीके के होते हैं बाजार में, क्योंकि अब तो शिक्षा बिकती है, खुलेआम बिकती है। एक होता है वो कहते हैं हमारे यहाँ ना हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हम सिर्फ 90% प्लस लेते हैं, 95% प्लस लेते हैं, अगर कोई बच्चा इतने अंक लाता है तो हमारे यहाँ एडमिशन मिलेगा, क्योंकि हम अपना रिजल्ट बिगाड़ना नहीं चाहते। महाराज जो बच्चा 95 प्लस ला रहा है उसको तो गांव में भी ले जाओ तो वहां भी वो टॉप करेगा। तुम कौन सा नया काम कर दोगे? तुम कौन सा नया काम कर रहे हो? या तुम्हारा तुम सिर्फ रिजल्ट, तुम अपनी कमाई देख रहे हो? और वो जो लोग हैं जिनको इस बात का फोबिया है कि हम अपने बच्चे को वहां पढ़ाएं, मैं उनसे पूछता हूं कि आपके बच्चे की काबिलियत है तो उसको कौन रोक लेगा? और जो ये कह रहे हैं कि अब आपका अगर 95 प्लस वाला आपका रिजल्ट रहता है तो तब मैं मानूं, जब किसी 40% 50% वाले को लेके आप 95% प्लस करा दो तो तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज महान है, वरना मूर्ख किसको बना रहे हो, किसको मूर्ख बना रहे हो? और इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि भैया आपको लगता है कि आप वहां नहीं जा सकते, यहां नहीं जा सकते, दीक्षा आप मेरे पास आओ, आपको कोई एडमिशन नहीं देगा, मैं देने को तैयार हूं, आप मेरी पाठशाला में आओ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गोविंद तुम्हें 100% सुंदर बना देंगे, मुझे मेरे गोविंद पर विश्वास है।
ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन से जुड़े जिन लोगों के जीवन का सुबह शाम कत्ल खानों जैसा था, और आज वो लोग मेरी तरह कंठी लगाते हैं, जिनका जीवन सुबह शाम नरक से भरा हो, नरक भी क्या कहूं मैं, आज वो कंठी लगाते हैं। क्यों? अगर मैं उनसे कहता नहीं तुम तो बहुत पापी हो, तुम तो मेरे यहां दरवाजे पर भी नहीं खड़े होना, मैं भी उनको औरों की तरह भगा देता, तो क्या उनके जीवन में परिवर्तन आता? नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब आपके सारे दरवाजे बंद हो, कोई आपसे कहे, शर्तों पे नहीं होता साहब, शर्तों पे नहीं होता, तुम ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, तुम ऐसा करो तो ऐसा, शर्तें वाला कार्यक्रम, ये शर्त तो गड़बड़ कर देती है। तुम आ भर जाओ, कोई तुमसे कहे कि तुम ये आदत छोड़ दो कि तुम्हारा हम अच्छा कर देंगे, वो कभी नहीं छूट पाएगी, क्योंकि तुमने उसके दिमाग में उस आदत को और प्रेशर दे दिया, वो 24 घंटे उसके बारे में सोचेगा। लेकिन तुम उसको ये बता दो कि तुम्हें बस इसकी सुगंध लेनी है, उसकी सुगंध लेते लेते वो कब आदत छूट जाएगी जो तुम्हें पसंद नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन बिगड़ा नहीं है, कौन बेकार नहीं है, कौन विषयों से घिरा नहीं है, कौन पापी नहीं है? अरे जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब साहूकार, कौन? कोई एक बताइए आप मुझे। तो क्या परमात्मा माता पिता के बच्चे सब होते हैं, लेकिन क्या वो किसी से ये कहते नहीं तू तो ऐसा तू तो वैसा, ये अच्छा वो बुरा, उनके लिए सब समान होते हैं। तो फिर आप क्यों वैष्णव नहीं हो सकते, आप क्यों दीक्षा नहीं ले सकते, किसने मना किया आपको? आपका स्वागत है, गोविंद मार्ग में चलने के लिए स्वागत है। सबकी चादरें मैली हैं, सब अपने आप को ढक के चल रहे हैं, लेकिन जब गोविंद गली जाते हैं तो कब उजली हो जाती हैं, कब आनंद से भर जाते हैं, ये कौन जाने। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन घबराऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर जग में भेजा सुंदर देकर आया, तूने मुझको जग में भेजा सुंदर देकर आया, आकर के संसार में मैंने
किसको दाग लगाया जन्म जन्म की मैली चादर जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आ नाम तेरा न गाया हो निर्मल पानी पाकर तुझसे नाम तेरा न गाया नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया मन वीणा की ताने टूटी मन वीणा की ताने टूटी अब क्या गीत सुनाऊं मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आ चढ़ाऊं मैली चादर
चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्मा चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मन ही मन शर्माऊं। लेकिन इस पूरे जगत में हम परिवार में रहते हैं, हमारे बड़े हमारे घर में रहते हैं, हम उनके घर में रहते हैं, अर्थात हम बड़ों के सानिध्य में अपने जीवन को जीते हैं। दुनिया में हम कोई गलती कर दें, कुछ गलत कर दें, कुछ अच्छा कर दें, हमारे साथ कुछ बुरा हो जाए या जो भी कुछ हो जाए, कौन साथ आता है? हमारे अपने, हमारे परिवार वाले, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे माता, हमारे पिता ही, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे ही तो काम आते हैं। कौन काम आता है? और इनमें भी जब बहुत सारे लोगों को घटा दो तो आखिरी में जाके एक बात तो ध्यान रखना, माता पिता सदैव काम आते हैं। तुम कुछ हो जाओ, तुम अच्छे हो जाओ, तुम बुरे हो जाओ, तुम मैले हो जाओ, तुम कुचैले हो जाओ, ये फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो अगर जीवन में कोई गलती हो भी गई, कैसा भी कुछ हो गया, कोई पाप हो गया, कुछ हो गया, अरे वो हमारा बड़ा पिता है, उसके करीब जाने में क्या बुराई है? उससे क्षमा मांगने में क्या बुराई है? क्या वो क्षमा नहीं करेगा? अरे वो तुम्हें 10 बार क्षमा करेगा। तुम बच्चा बनके तो देखो, तुम बड़े बनके क्षमा मांगोगे तो महाराज कुछ नहीं हो सकता। तुम बालक भाव से तुम बोलते हो सॉरी, तुम्हें सॉरी नहीं बोलना, तुम्हें बोलना है शॉली। हाँ, शॉली बच्चे बोलते ना, बच्चा मन के माफी मांगनी है। फिर आप देखिए जीवन कैसे भगवान की कृपा प्राप्त कर लेगा, आप आनंद से भर जाओगे। जीवन में जब भी जीवन के अनंत पड़ावों को देखता हूं और जब थक जाता हूं तो लौट कर माता पिता के पास ही तो जाकर बैठने में आनंद और वो थकान का उतरना होता है। तो जीवन के कई कई जन्मों की यात्रा जो चल रही है, जब तुम थक जाओगे तो तुम किसी गोविंद की चौखट पर ही तो बैठोगे, वहीं तो तुम्हारी थकान उतरेगी। उस गली में आपने आप महसूस कीजिए, आप वृंदावन आते रहते हैं, आप अपने घरों से निकलते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, सब करते हो महाराज, वृंदावन आते हो, आहा वृंदावन आ गया, मेरो वृंदावन, वृंदावन आ गया, सब आ गया, गाड़ी पार्क करते हो, या तो विद्यापीठ की तरफ से या पीछे कहीं की तरफ से आप बिहारी जी की तरफ बढ़ते हो, और जैसे ही वो पतली सी गली आती है, हाय 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 हाय, और जो वो सकरी सी पतली सी गली, बस उसमें घुसते से ही हम किन सीढ़ियों पर चढ़ जाके ठाकुर जी के, वो गली के स्पर्श मात्र से जो कंपन हो जाता है, वो जो फील आता है, जो कपकपी सी छूट जाती है, उसी चौखट पे तो बैठना है, उसी को तो साकार करना, उसी को तो उतारना है। फिर वही लौट के आने के बाद बढ़िया पूरा ग्लास वाली लस्सी मिल जाए, है भल्ले मिल जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन पहले तो मेरे गोविंद, वो जो एहसास है, वो एहसास, वो जो मैंने जो बात कही, इस तरह का एहसास वो तब होता है जब तुम पूर्ण समर्पण कर देते हो, अब सिर्फ तू ही मेरा सहारा है, कोई और नहीं, सिर्फ तू। चाहे फिर तुम
बांके बिहारी का सहारा कहो या फिर तुम हारे का सहारा कहो, कुछ कहो, ईश्वर एक है, रूप अनेक है। बड़े आनंद और परमानंद के विषयों से ओतप्रोत होती ये कथा, हमारे मन के भीतर अपनी जगह लेती ये कथा। मेरा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ आपको कथा सुनाना नहीं है, उस कथानक को आपके हृदय में बैठाना है कि आपके अंदर भी परमात्मा की वो लीला, भगवान की वो कृपा और उसके प्रति जो प्रेम आपके अंदर था, दबा था, उसको बाहर निकालकर समर्पण करवा देना है। आप अपने धर्म को जाने, अपने विज्ञान को जाने, अंधविश्वास से दूर जाकर अपने जीवन को नैतिकता से भगवान की शरणागति में जिए, इतना इस दास का प्रयास है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ निश्चित एक दिन इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाएगा और हम सब अपनी वैदिक परंपरा के पुरोधा होंगे, हम सब आनंद करेंगे। ध्यान रखना, कक्षा वही अच्छी होती है जिस कक्षा के विद्यार्थी पूरा होमवर्क करके आते हैं। शिक्षक को भी पढ़ाने में तब मजा आता है जो उसने कहा कल ये पढ़कर आना, मैं यही पढ़ाऊंगा। तो जब बच्चे वो पढ़कर आते हैं तो उनको समझ में भी पूरा आता है और शिक्षक को भी आनंद आता है। मैं चाहता हूं कि आप ठीक है वैसे नहीं पढ़ पा रहे, मगर इन कथाओं के माध्यम से आप सुनते रहें, सुनते रहें, और सुनते 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 एक दिन तुम भी भागवत हो जाओ, सब भागवत हो जाए। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं हर युवा को सन्यासी, भारत का हर युवा मुझे सन्यासी नजर आए, हर युवा को सन्यासी हो जाना चाहिए। तो कितनी बड़ी विचार थी। देखो, सन्यासी का मतलब यह नहीं है वो गेरुआ कपड़ा पहन के अपने घर से निकल गए। सन्यास, सन्यास का मतलब धर्म का पालन करने वाला, जहां हो, जिस स्थिति में हो, जैसे हो, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति, मर्यादा का पालन करने वाला व्यक्ति, शिष्टाचार का पालन करने वाला व्यक्ति, अपने मातृभूमि से प्रेम करने वाला व्यक्ति, अपने देश पर अपने जान को बिना कुछ पूछे न्योछावर कर देने वाला व्यक्ति, अपने धर्म के लिए अपने सर को एक सेकंड में कटा देने वाला व्यक्ति, इन सारी बातों की जो चर्चा है वो सन्यास से जुड़ी है। आज दुनिया के इतने देश, देखिए आप अगर स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को देखें तो उनका आज कुछ अभी अभी कुछ नए नालायक पैदा हुए हैं देश में, जिनको वानपंथी विचारधारा कहते हैं, क्योंकि वो तो उनको तो किसी में मैं गिनता ही नहीं हूं, ना इंसानों में ना किसी में। उनको छोड़ दें तो पूरी दुनिया में कभी विवेकानंद जी का विरोध होते नहीं देखा। कई पंथ देख लीजिए, कई धर्म देख लीजिए, उनका विरोध होते नहीं देखा आपने। जीवन ऐसा हो, जीवन हो तो ऐसा हो। हमें और आपको भी चाहिए अपने जीवन की सुंदरता को बढ़ाई और अपने आनंद को जिए, अपने ईश्वर को जानिए। आपके अंदर बैठा वो गोविंद टुकुर टुकुर आपको देख रहा है, लेकिन आपकी नजर उस पर नहीं पड़ रही, इस बात को भी वो देख रहा है। इन दोनों विषयों पर बात करनी है, इन दोनों विषयों को समझना है तो हमें चाहिए अपने जीवन के परम कल्याण के लिए ये परम भागवत तत्व जो आपको मिल रहा है। और मैं बहुत बहुत लघु लघु रूप में, क्योंकि हमारे पास समय है, अभी इसके बाद एक कथा और उसके बाद फिर एक कथा और, निरंतर कथाएं हैं, तो मैं चाहता हूं एक एक प्रसंग पर हम पूरी पूरी चर्चा करें, कुछ छूट ना जाए, आनंद से भर जाए, अपने जीवन की सुंदरता को पूरा जी लें, पूरा जी लें। प्रसन्नता की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में यजमान महोदय लोग, आप सब लोग इस कथा से जुड़े हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आगामी कथाओं के लिए भी आप लोगों ने अपनी बुकिंग करा ली है। इसके बाद की जो आगामी कथा है वो 2 तारीख से आरंभ हो रही है,
एक तारीख को अधिक मास की इस द्वितीय कथा का विश्राम होगा और 2 तारीख से पुनः कथा आरंभ हो जाएगी। 2 तारीख वाली कथा का विश्राम 8 तारीख को होगा, उसके बाद पुनः कथा 10 तारीख को शुरू हो जाएगी। 10 तारीख वाली कथा का विश्राम 16 तारीख को होगा, 17 तारीख को और 18 तारीख से फिर देवी भागवत महापुराण शुरू हो जाएगा। उसके बाद के अभी स्टाफ को बहुत जल्दी मिल जाएगी, दिवाली मनाने को मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी पूजन आप करेंगे, पूरे आध्यात्मिक चेतना के साथ करेंगे। बहुत ज्यादा छुट्टी आपको मैं देने वाला नहीं हूं, लेकर करोगे भी क्या? फिर अव्याली जैसे तुम फ्री हो गए फिर कोई तुम्हें कहेगा करो ना करो ना करो ना करो ना। अरे करना है तो भगवान की भक्ति करो ना, कहां दिमाग लगा रहे हो इधर उधर। जब परमात्मा के चरणों से लगन लग जाएगी तो अपने आप फालतू की चीजें बाहर आ जाएंगे। बताओ आप मुझे, टीवी अखबार सब आपको डरा रहे हैं, डराने में लगे हुए हैं। आप बस अपना ध्यान रखिए, अपने परमात्मा के चरणों में अपने हृदय को रखिए, आप हमेशा सुखी रहने वाले हैं। जिस विचार को आप ज्यादा बड़ा कर दोगे, देखो अधिक मां से फिर कह रहा हूं, जिस विचार को बड़ा कर दोगे वो घटना घट जाएगी। तो किस विचार को बड़ा करना है ये तुम देख लो। तुम्हें करुणा के विचार को बड़ा करना है या भगवान की करुणा के विचार को बड़ा करना है? भगवान की करुणा के विचार को बड़ा कर लिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा महाराज। ये उत्तम मास पुरुषोत्तम मास, इसके आनंद को जियो। दया धर्म दान तीर्थ स्नान, पवित्र नदियों के स्नान, कथा का श्रवण, कथा कराना, कथा सुनना, ये सब आपके जीवन के लिए एक बड़ा सौंदर्यपूर्ण वातावरण बन रहा है। आप इससे जुड़े, आप लोग जिस संख्या में जुड़ रहे हैं और जितनी तेजी से मानव मंदिर के लिए अपनी सेवाएं भेज रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आप जहां भी हैं जैसे भी हैं, मेरा आशीर्वाद आपको है। मेरी व्यासपीठ आपके लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आपके जीवन का कल्याण हो, आप आनंद से भर जाएं, आपके जीवन आपके मनोरथ सारे के सारे पूर्ण हो। आगामी कथा में यजमान बनने हेतु, पोथी यजमान बनने हेतु आप अभी टेलीफोन कर सकते हैं, अपनी पोथी अभी से बुक करा सकते हैं, व्यवस्थित करा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे यजमानों ने अपनी आगामी कथा की पोथी बुक करा ली है, जिन्होंने न करा पाई है वो अभी फोन करें और करा लें, क्योंकि आपकी वो सारी व्यवस्थाएं करने में भी समय लगता है, चीजों को व्यवस्थित करने में समय लगता है। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे दिन प्रतिदिन वो सभी भामाशाह जिन लोगों ने आजीवन सदस्यता ली है, उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। कल मैंने एक छोटी सी घोषणा कमेटी की चर्चा के द्वारा आप तक की थी, और वो है हमारे गोल्ड मेंबर, जिनकी चर्चा कल मैंने आपसे की थी। गोल्ड मेंबर हमारे संस्थान के वो लोग होंगे जो लोग आजीवन सदस्य भी होंगे और 21 फुट भूमि का दान और 1 दिन की भोजन प्रसादी, जो हम गरीबों को बांटने वाली भी प्रसादी है, वो पूरी प्रसादी वो देते हैं, जिसकी कुल जो राशि है वो 51,000 रुपए है। 51,000 की राशि देने वाला व्यक्ति हमारा गोल्ड मेंबर बन जाता है आजीवन। उसके लिए उसको एक और लाभ मिलता है कि वो साल में 2 लोग, पति पत्नी या जो भी 2 लोग, उस कार्ड पर जो उनको मिलेगा उस पर आजीवन आप 5 दिन के लिए वृंदावन में हमारे यहां आकर सुंदर कक्ष में ठहर सकते हैं। आपका ठहरना, आपका भोजन, आपका सब कुछ निःशुल्क रहेगा, आपके जीवन में आनंद हो जाएगा। जब भी आप वृंदावन आए आपके लिए ये सुविधा आजीवन निःशुल्क रहेगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने आनंद को यहाँ देखिए। अब देखिए कितनी सुंदर बात है, आजीवन सदस्य भी हो गए, मतलब उससे भोजन भी जाने लगा, किसी एक को रोटी भी मिलने लगी प्रतिदिन, भूमि दान भी हो गया, आश्रम के निर्माण में आपने सहयोग दे दिया, और एक भंडारा भी करवा दिया, 1 दिन का भंडारा भी शामिल है उसमें, वो भी हो गया। तो आपके लिए वो सारी व्यवस्थाएं हो गई जिन व्यवस्थाओं को आप ढूंढ रहे हैं। तो आप
इस गोल्ड मेंबरशिप से शीघ्र जुड़ें, आप मानव मंदिर से शीघ्र जुड़ें, आपका कल्याण हो, गोविंद आप पर पूरी कृपा करें। आज बड़ा अच्छा लग रहा है, एकादशी तो है ही, साथ में उन सब भामाशाओं की सुंदर नामों की घोषणा के लिए मुझे फिर आज एक लिस्ट मिली है, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, जिन जिन के नाम रोज बोल दिए जाते हैं उनके नाम दोबारा नहीं आते, लेकिन जो रह जाते हैं उनके नाम प्रतिदिन नए नाम बोले जाते हैं। जो नाम हमारे पास जिस समय आए हैं, कई बार लोग कहते हैं हमारा नंबर नहीं आया, हमारा नाम नहीं आया, तुम बता दूं, जिन्होंने जैसे टेलीफोन किया है, जो लोग जैसे रजिस्टर्ड हुए उसके अनुसार उनके नाम आते जा रहे हैं। तो जिनके भी नाम है वो अंतिम दिन तक जरूर पहुंचेंगे, जरूर टेलीविजन पर दिखाई देंगे, इस बात को आप बिल्कुल अंदर विचार करके रखें। तो आज सबसे पहले हमारे बीच कनकल हरिद्वार से, कनकल हरिद्वार से आजीवन सदस्य हैं, जो कनकल हरिद्वार से आजीवन सदस्य हैं, जिन्होंने 21 अनीता गुप्ता जिनका नाम है, वो आजीवन सदस्य हमारे 21,000 के, और वो आजीवन सदस्य कनकल हरिद्वार से, मैं उनको, उन्होंने अपने फोटो नहीं भेजा है, फोटो नहीं दिखाना चाहते, लेकिन उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। आजीवन सदस्य आप हुए हैं, आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंचाया जाएगा। जीवन में आपने जो निर्णय लिया है, गोविंद आपको आज एकादशी के दिन बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको परमात्मा आपकी सारे मनोरथ पूर्ण करें, सारी आपकी अभिलाषाएं पूर्ण करें, ऐसी गोविंद से मेरी कामना है। आपको हमारी ओर से ये सुंदर पगड़ी, गोविंद आपको ऐसे ही सांवरिया सेठ सेठ बनाए रखें, जिससे आप लोगों की सेवा कर पाएं और गोविंद आपका कल्याण करते रहें। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपके परिवार को और आपको बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में जो लोग पोथी यजमान हैं, 5100 की जो सामूहिक पोथी होती है, पोथी यजमान हैं, उनके कुछ नाम मुझ तक पहुंचे हैं, एक बार उन नामों की घोषणा। सबसे पहले इस क्रम में श्री गंगानगर से कमला देवी प्रभातीलाल जी हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद, गोविंद आपके सारे मनोरथ पूर्ण करें, आपके जीवन का कल्याण हो। इसी क्रम में दुर्गापुर आसाम से उषा देवी सिद्धि शरण शर्मा जी हैं, आपने भी पोथी यजमान हैं आप, गोविंद आपके मनोरथ पूर्ण करें, आपके सकल मनोरथ पूर्ण हो। इसी क्रम में चंडीगढ़ से श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी हैं, आपने भी पोथी यजमान हैं आप, गोविंद आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी क्रम में वेस्ट बंगाल केतवा से उत्तमा गोपी दासी हैं, गोविंद आपका भी कल्याण करें। इसी क्रम में बहराइच से करुणा श्रीवास्तव हैं, गोविंद आपका कल्याण करें, जीवन के परमानंद आपके हो जाएं। दिल्ली से राजेश दीक्षित, दिनेश कुमार दीक्षित हैं, गोविंद आपका कल्याण करें। धौलपुर से मणिकांत दुबे हैं, गोविंद आपका कल्याण करें। मोहाली से भावना प्रश नायब हैं, गोविंद आपका कल्याण करें। झारखंड से आशा लाडिया हैं, गोविंद आपका कल्याण करें। हरियाणा से सविता रमेश कुमार शर्मा गुप्ता हैं, गोविंद आपका कल्याण करें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, आप सबके जीवन का कल्याण हो, ईश्वर आपके सारे मनोरथों को पूर्ण करें, ऐसी गोविंद के चरणों में दास की निवेदन है। अब आइए उन नामों को जानें जिन लोगों ने अपने दांत को हम तक पहुंचाया है, एक बार उनके नामों की घोषणा हम लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दानम दुर्गति नासनम, तो हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा पे पुरुषोत्तम मास अधिक मास में आज इस कमला एकादशी के पर्व पर हम सब बैठकर इस ईश्वर चैनल के माध्यम से कथा का आनंद ले रहे हैं और दान किस गंगा में भी आप सब लगातार स्नान कर रहे हैं। तो आइए, हम सभी परम भाग्यशाली हैं कि श्रद्धाम वृंदावन में हमारे मानव मंदिर के लिए लगभग सारे हमारे देश विदेश के दर्शक, हमारे श्रोता जुड़ते जा रहे हैं, पोथी यजमान भी बन रहे हैं और मानव मंदिर के लिए अपनी मंगलमय सेवा भी भोज रहे हैं।
हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 100 काम छोड़कर स्नान करो, 1000 काम छोड़कर भोजन और 1,00,000 काम छोड़कर दान करो, क्योंकि प्रकटचारी पद धर्म के कलिमा एक प्रधान येन केन विधि देने दान दिए कल्याण। तो 1,00,000 काम छोड़कर दान करो और करोड़ों अरबों काम छूट जाए पहले भगवान का भजन करो, क्योंकि बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल और बिनु हरि भजन न भव तरी हैं, यह सिद्धांत अपेल। तो चारों की प्राप्ति हो रही है, स्नान तो हम सब घर करके आ रहे हैं, भोजन भी करके आ रहे हैं और दान करने का ये पावन सुयोग हमको मिला है, क्योंकि साधन के रूप में भागवत जी की कथा है और साध्य के रूप में उन असहाय माताओं के लिए, वृद्ध माताओं के लिए महाराज श्री का मंगल में संकल्प एक अभियान चल रहा है मानव मंदिर का और आप सब जुड़ते जा रहे हैं। तो हमारा साधन भी परम पवित्र है, हमारा साध्य भी पावन पवित्र है, तो भगवान भी उस उद्देश्य की रक्षा करते हैं। तो आइए आज एकादशी तिथि के दिन श्री राम गोपाल अग्रवाल जी हैं भोपाल से, आपने आज 1100 रुपए देकर 1 फुट भूमिदान का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ से हैं सुशीला माता जी, आपने भी आज 5 फुट यानी 5500 रुपए की सेवा भेजी है, 5 फुट भूमिदान का संकल्प लिया और आपने 1100 रुपए बंदरों की सेवा के लिए भेजा। जो बंदर त्रेता युग में भगवान की सहायता करते हैं, वही द्वापर में आके कलयुग में आके वृंदावन में नाच कूद रहे हैं, तो बंदरों की सेवा के लिए भी हमारी माता जी ने भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी जो भी चाहते हैं कि बंदरों की सेवा के लिए केला या फल भेजना चाहते हैं तो आप अपनी दान राशि 1100-2100 भेज सकते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास में आपके माध्यम से बंदरों की भी सेवा की जा सके। और साथ ही साथ जो हमारी सुशीला माता जी हैं, 5 फुट भूमिदान है, बंदरों की सेवा भी है, प्लस पूर्णिमा अमावस्या द्वादशी की तिथि पर ब्राह्मणों के भोजन के लिए भी आपने 3500 रुपये भेजा, आपकी श्रद्धा को नमन है। मनुश्री मानव सेवा संस्थान परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। पठानकोट पंजाब से हैं संजीव भाटिया जी, आपने भी आज एकादशी के दिन भूमिदान किया है, आपने गुप्त दान किया है, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जिला बिजनौर से यशोदा देवी हैं, 1 फुट भूमिदान का आपने संकल्प लिया। दिल्ली से विमला ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, आपने भी 1 फुट भूमिदान का संकल्प लिया। कांता जी हैं जालंधर से, आपने आज एकादशी के उपलक्ष्य पर 1100 रुपये देकर 1 फुट भूमिदान का संकल्प लिया, प्लस ब्राह्मणों के प्रसाद के लिए भी अपनी मंगल में सेवा भेजी है, प्लस साथ ही साथ पर्यावरण को बचाने के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए आपने 1 पीपल का वृक्ष, 1 केला का वृक्ष और साथ ही साथ 2 फुट भूमिदान का पुनः संकल्प लिया। जयपुर से विनोद कंवर जी हैं, आपने भी आज 5100 देकर 5 फुट भूमिदान का संकल्प लिया है। और दिल्ली से रेखा सौरभ रस्तोगी जी हैं, आपने वृद्ध माताओं की सेवा के लिए जो हमारे मानव मंदिर में रहेंगे उनके लिए आपने आज 11000 रुपए का संकल्प लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर से हेमा वर्मा जी हैं, 5 फुट भूमिदान का संकल्प लिया और 500 रुपए आपने ब्राह्मणों के भंडारे के लिए, अन्नदान के लिए आपने भेजा है। और अमृतसर से अनीता अशोक अरोरा जी हैं, आपने भी आज 1 फुट भूमिदान का संकल्प लिया है। तो सभी दानदाताओं का, भामाशाहों का आपने आज पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, एकादशी में भागवत सुनते हुए दान किया। आपके पुण्यों की गणना तो शायद चित्रगुप्त भी नहीं कर पाएंगे, तो अधिक से अधिक आप सब कथा श्रवण करें। ये कथा ईश्वर के माध्यम से 4 बजे से 7 बजे तक आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ महाराज श्री का जो पावन यूट्यूब चैनल है, हो सकता है समय का हेर फेर रहता आदमी नहीं देख पाता, तो आप यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर सकते हैं और आप पुण्य भी कमा सकते हैं। कथा को लाइक करें, शेयर करें और जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं आप कथा का भी आदान प्रदान करेंगे तो 1 कथा कराने का पुण्य आपको घर बैठे मिल जाएगा। तो खूब हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक चैनल पे हमारे नंबर चली रहे हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी वृक्षों से संबंधित, मानव मंदिर के संबंधित या आगामी कथा में पोथी रखवानी हो या अभी भी पोथी रखवानी हो तो आप संकल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ आज व्यासपीठ से आपको उपहार भी मिला, गोल्ड मेंबर जो बनाए जा रहे हैं 51000 के लिए, वो भी बड़े सौभाग्य की बात है कि पुरुषोत्तम मास में इसकी घोषणा हो गई। तो अधिक से अधिक आप अपने परिवारजनों के लिए, वृद्ध माताओं के लिए, अपने पितरों की पावन स्मृति में 51000 की रूप सेवा देकर आप पूरे इस प्रकल्प से जुड़ सकते हैं। आइए पुनः चलते हैं व्यासपीठ की ओर। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। श्री राधे, आपके इस पावन पुनीत कार्य के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि मैंने कल बताया था कि बहुत सारे लोगों की अपनी ग्रह से संबंधित समस्याएं हैं, उन ग्रहों से संबंधित समस्याओं के लिए हमने एक अपना एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पर आप दिए गए नंबर 7000638360 पर फ़ोन कर सकते हैं
हमारे कार्यालय में आप फोन करेंगे, आचार्य पंडित राजेश चतुर्वेदी से आपकी चर्चा होगी, वो आपको बताएंगे आपके ज्योतिष के बारे में या आपके ग्रह नक्षत्रों की जानकारी के लिए, जिससे आप सुगमता से अपने जीवन को जिएंगे और आपके जीवन का आनंद होगा। आप सीधे दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं और अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो भगवान की आनंदमयी कृपा हम सब पर बरस रही है। आप सब निरंतर कथा से जुड़कर कथा के पोथी यजमान यजमान हो रहे हैं। आप जो भी दान राशि या जो भी आप भेज रहे हैं, गौदान कर रहे हैं आदि इत्यादि जो भी कुछ कर रहे हैं, परमात्मा आप सबके जीवन में बहुत धन्यता लाए, आप सबका जीवन आनंद से भर जाए। कथा श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें अभी जो कथा सुनाई उत्तानपाद के बारे में, वैसे ही इनका एक भाई और है प्रियव्रत, और प्रियव्रत के वंश में आगे राजा भरत हुए, और भरत जो है अपने जीवन को बहुत सुंदरता से जीते रहे। अगले जन्म में जाकर जो इनका भरत का जन्म था वो जन्म किसी वजह से पतित हो गया, ये एक हिरण के बच्चे के जीवन को बचाने में लग गए। अब देखिए, अभी कुछ देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि हम धर्म के अनुसार दान धर्म दया सारी करनी चाहिए। अगर मान, अब देखिए यहां क्या हुआ कि एक हिरणी का बच्चा पानी में बहता है और भरत जी उसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो नवजात है, हिरणी भाग रही है क्योंकि सिंह पीछे पड़ा है, तो उसको लेकर अपनी कुटिया में आते हैं और आकर उसको अग्नि देते हैं जिससे उसको ठंडक जो थी उसको गर्माहट मिले, उसको गौ माता का दूध पिलाते हैं आश्रम में अपने, इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। धीमे धीमे अपन पास रखते हैं, चूंकि बिल्कुल सही बात है, जब तक वो चलने फिरने लायक ना हो जाए उसको पास रखना चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए। लेकिन यहां गड़बड़ ये हो गई कि वो धीमे धीमे उसमें अपनी आसक्ति ले आते हैं, आसक्ति। जिस भरत ने भरतखंड का राज्य सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि मुझे संन्यास लेना है, वानप्रस्थ जीना है, वो व्यक्ति आज एक छोटे से हिरण के मोह में फंस गया। आप समझ सकते हैं माया कितनी खतरनाक है। मैं कल आपसे निवेदन भी कर रहा था कि माया और मायापति में अणु मात्र का अंतर नहीं है। अरे माया भी तो उन्हीं की है ना, जितने मजबूत वो उतनी मजबूत उनकी माया, उतने मजबूत उनकी माया। मैं आते हैं फोन कि वो वानप्रस्थ कुटिया में रहना चाहते हैं, सारी चर्चा होती है, समझ में आ जाता है, फिर बाद में होता है बस वो थोड़ा सा और है, अभी रह गया है, अभी वो ये नहीं मान रही है, कभी वो नहीं मान रहे हैं, कभी बच्चे नहीं मान रहे हैं। कोई नहीं मानेगा साहब, मानेगा कौन? अरे मनवाना और मानना तो तुम्हें अपने लिए है, ये जिंदगी आज जैसी है कल भी वैसी रहेगी, तुमको तो झटका दे के छोड़ना है और बिना झटका दिए ये तुम छोड़ नहीं पाओगे। ऐसे छोड़ के आना है, और जहां तुमने ऐसे नहीं छोड़ा तुम छोड़ ही नहीं पाओगे, दरवाजे के बाद फिर तुम्हारा वो मरकट वैराग्य, फिर तुम्हारी लगेज अंदर चला जाएगा वापस, तुम बार बार सोचो कि हमें वृंदावन जाना है, हम तो वहीं रहेंगे, हम तो कुटिया ले रहे हैं, हम तो आश्रम में आनंद करेंगे। तुमने तो सोच लिया, तुम्हारे मन ने सोच लिया, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो भगवान की इस कृपा को समझो आप कि भगवान तुम्हें वही रुचि और अरुचि, अर्थात नीति और अनीति, अर्थात नीति और रुचि, ये रुचियां जो है ना संसार की, ये नीति नीति की तरफ आपको बढ़ने इतने आसानी से नहीं देंगी, ये आपको बार बार खींचेंगी, बच्चे खींचेंगे, नाती पोते खींचेंगे, वो ज्यादा खींचेंगे। अब रहने दो, बच्चों को छोड़ के कौन जाए भैया? क्या तुम बच्चों को लेकर जाओगे? एक दिन तो छोड़ना ही है, एक दिन तो छूटना ही है। लेकिन बात है कि जिसके अंदर भागवत का ज्ञान उतर जाता है वो एक झटके में छोड़ देता है, यह ज्ञान की बात। और इसमें जो एक डायलॉग बहुत पुराना लेके लोग चलते हैं
मेरे गोविंद को बार बार हिचकियां आती होंगी, परेशान करते हैं। भगवान चाहेगा सो हो जाएगा, आ जाएंगे वृंदावन। भगवान क्यों चाहेगा पहले तो मुझे ये बता दो, भगवान भीड़ चाहता है क्या? भगवान चाहेंगे तो हम वहां पहुंच, अरे भगवान कभी नहीं चाहेंगे, भगवान कुछ नहीं चाहता, भगवान कुछ चाहता ही नहीं है। अब जो भगवान चाहता है वो तुम्हें समझ में नहीं आता। मामेकम शरणम व्रज, भगवान तो कह रहा है मेरी शरण में आओ, भगवान तो ये चाहता है। अब तुम कैसे कह रहे हो भगवान नहीं चाहता, हम वहां नहीं जा पा रहे? किसको उल्लू बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपनी गलती अपने कर्मों का तुम हिस्सेदार भगवान को बना रहे हो। ध्यान करना, ये भी पाप है, पाप पड़ेगा, ध्यान रखना। भगवान को बार बार बीच में मत लाओ, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। अरे भगवान क्यों चाहेंगे, भगवान ने तो बहुत पहले बोल दिया गीता में, आओ ना मेरे पास, मेरे पास ही आना है तुम्हें। वर्ण व्यवस्था बना दी, आपका सब कुछ निबट गया, सब ठीक ठाक हो गया, आप आओ, आप भी आओ, आप यहां रहो, जब मर्जी है तब जाओ, बच्चों को भी बुलाओ, संस्कार दो धर्मस्थल आने जाने के, उनको भी पता पड़े हमारा एक घर वृंदावन में है, एक घर फला फला जगह है, बनाओ ना। लेकिन मन है के मानता, महाराज बस आप तो इतनी कृपा कर दो सब ठीक ठाक चलने लगे, फिर तो आखिरी में वृंदावन आना ही है। बस ये लड़का जो है ना, बस ठीक ठाक नौकरी तो लगी गई है आपकी कृपा से, अब ब्याह और हो जाए। हो गया? हाँ माता जी, बहू। अरे बहुत बढ़िया बहू, सब बढ़िया है महाराज, तो कब आ रही हो? महाराज अब 4 दिन बहू के हाथ की भी सिक्की सिक्की फूली फूली रोटी खा ले, ठीक है खाओ, फिर अगली बार। हाँ माता जी, पिताजी, बोलो। जैसे ही चर्चा हुई तो फिर वो कह रहे हैं, महाराज खुशी की खबर है, अब तो घर में एक नन्ना मेहमान आने वाला है। अब महाराज थोड़ा, हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा नहीं पूरा, थोड़ा नहीं पूरा, बस वो हो जाए उसके बाद आना ही है, आपको तो मालूम ही है तैयारी पूरी है। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया, हंसने, हाँ माता जी, हाँ जी बाबू जी, बस महाराज इतना बढ़िया लगता है साहब घोड़ा बनने में, और जब वो ऊपर बैठता है आ हा हा हा, लगता ही नहीं है कि हम 60 और 70 के हो गए। चलो अच्छी बात है, वो सब ठीक है, आ कब रहे हो? बस थोड़ा और खेल लें खिलौने से, फिर तो आना ही है। फिर कभी मिले, हाँ जी कब आ रहे हो? अरे इतनी आजकल क्या करें साहब, वो लड़का जाता है, बहू भी वहां सारा दिन देखती है, बच्चे को संभालना पड़ता है, और आजकल तो क्या पास में ही एक स्कूल मिल गया है, तो हम ही जाते हैं, हम ही छोड़ आते हैं, हम ही ले आते हैं, तो साहब ये ड्यूटी और मिल गई है, तो अब तो नहीं महाराज आना तो है। तुम कभी नहीं आ पाओगे, कतई मान के चलो तुम आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम अगर इन चीजों से नहीं निकलोगे तो आज एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा फिर उसका ये फिर उसका वो, जिंदगी भर लगे रहोगे, तुम अपने लिए कब जिए? तुम मनोरंजन में अटके रहे, तुम आत्मरंजन की यात्रा कर ही नहीं पाए। यही तुम्हारा अज्ञान है, यही तुम्हारा अज्ञान है। और ये निर्णय वही ले पाता है जो भागवत होता है, जिसने वास्तव में भागवत को सुन सुन के अपने जीवन में उतार लिया है, वो ये निर्णय ले पाता है। जो सिर्फ सुन रहा है वो तो 7 बजे के बाद कहेगा आप बढ़िया चाय बनाओ, अब आनंद आ गया, चलो अब चाय वाय नाश्ता वास्ता, खाना वाना कैसे क्या बनेगा, चलो जल्दी करो। लेकिन अपने जीवन को साधिए और परमात्मा के करीब ले जाइए। भरत जैसी दृष्टि देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ने के बाद उस हिरण के चक्कर में पड़ गए, और हिरण के चक्कर में पड़ने के बाद हुआ क्या? रो रहे हैं कि साहब मैंने गलती कर दी। फिर अगला जन्म लिया है, तब सुंदर ब्राह्मण के यहां जन्म मिलता है,
भरत नाम तब भी रखा जाता है, चूंकि कुछ बोलते नहीं है तो लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगते हैं। बड़ा सुंदर दृष्टांत है, वो जड़ भरत हो जाते हैं। तात्पर्य कहने का ये कि हमारे जीवन में भी जड़ता आ जाती है, लेकिन जड़ता कौन सी चाहिए और चैतन्यता कौन सी चाहिए? जड़ वहां हो जाओ या ठाकुर का दरवाजा है। जड़ता भी जरूरी है, ध्यान रखना, जड़ता बुरी बात नहीं है। हमारे हमारे शरीर से भी जड़ आ रही है, चैतन्यता नहीं। ये जो बाल है इनको काट देते हो ये भी तो जड़ है, नाखून काट देते हो ये भी तो जड़ है, लेकिन इसी चैतन्य से ये जड़ प्रकट हो रहा है, इस चैतन्य शरीर से ये जड़ प्रकट होती है। तात्पर्य कहने का यह है कि जड़ता जरूरी है, लेकिन जीवन में जड़ता कहां जरूरी है ये जानना भी जरूरी है। जड़ता चाहिए भक्ति की, कि जहां भक्ति में आ गए फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान वैराग्य को पाने के लिए हमको जीवन चाहिए, हमें उस और अपनी जिद चाहिए, और तब हम जीवन में आनंद ले पाएंगे। आप अपने जीवन के उस परम कल्याण की, उस उमंग की कभी कोशिश तो कीजिए करने का। कभी भगवान ने कृपा कर दी और उस कृपा का आनंद देखिए। आज एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं। ये ठाकुर ठकरानी यहां बैठे हैं, इनके पीछे हम भी चिपक कर बैठे हैं, तो जब आए तो ढूंढा तो बांसुरी नहीं मिल रही थी। अब आप देखना ये अब कितना चतुर है, बांसुरी नहीं मिल रही थी, तो हमने कहा ये मन की बांसुरी बजाएं, तब तक ले आएंगे, बोला किसी को आ जाएगी। पर कल इनके ऊपर किसी भक्त की नजर पड़ी छत्तीसगढ़ से, आप देखिए, और उन्होंने मैसेज किया कि साहब ठाकुर जी की बांसुरी, और जब तक बांसुरी नहीं होगी तब तक जीवन में माधुर्य नहीं होगा। तो उन भगत जी ने कहा कि भैया बांसुरी तो आनी चाहिए। अब उनका फोन आज नहीं आया, लेकिन आज जब सुबह अकाउंट चेक कर रहे थे तो उसमें लिखा था 5100 रुपीज फॉर बांसुरी, सिल्वर बांसुरी 5100 रुपए। तो आज का श्रृंगार एकादशी का महाराज आपकी तरफ से है, और ये बांसुरी भी आपकी रजत बांसुरी जो है आ गई है। आपका गोविंद ने, आपने गोविंद को देखा, अब समझ लो गोविंद आपको भी देख ही रहे हैं। ये दृष्टि है, ये भगत की दृष्टि है। तो मैं वही जो तात्पर्य है ये कहने का कि तुम्हारी दृष्टि क्या है। आज जो श्रृंगार आप देख रहे हैं ये सब उनकी तरफ से है, और अगर वो टेलीविजन पर है तो देखिए भैया तुम्हारे ठाकुर तुम्हें देख रहे हैं आज माधुर्यता के साथ, आनंद के साथ, आपके ठाकुर जी। आपने उनको देखा, अब वो आपको देखेंगे, आनंद हो जाएगा आपका। तो ये है भक्त का भाव। आप अपने जीवन को कैसे जीते हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी नजर करोगे तो वो भी आपकी नजर करेगा। ये भाव की कहानी है पूरी, भाव के वश में है भगवान। वो भाव देखिए भक्त का, कि जब भक्त अपने प्राण प्रिय भगवान को जब एक चुक निहारता है तो उसके रूप सौंदर्य को वो समझ जाता है, उसमें उतर जाता है, और फिर वहीं जाकर टिक जाता है। जड़ भरत, भरत और ये हिरण की यात्रा, ये अपने गोविंद तक जाने की यात्रा है। और आज आप देखिए कि बड़े आनंद के साथ इस जड़ भरत को मार्ग में रहुगण मिलते हैं, राजा रहुगण की पालकी जा रही है, हजारों सैनिक साथ में हैं। सामने से हट्टा कट्टा युवा जवान को आते हुए देख पूछा, कहार जो कहार है, भाई कौन हो? कोई जवाब नहीं दिया, बोलता ही नहीं, बोला इधर आओ। आ गए, पालकी में लग जाओ, लग गए पालकी में, लग जाओ, लग गए। अब आप देखिए आनंद की घटना, देखिए कि एक कहार जो जड़ भरत है कहार बन गए। क्यों बन गए? अरे भगवान का काम है, कोई भी काम करा ले, शरीर उसका है, परमात्मा ने हमें शरीर दिया, हम किसी भी काम में लगा जो मिल जाए, कोई विरोध नहीं है। यही भक्त का भाव है। और आनंद का विषय, कहार चलने लगा, पालकी चलने लगी। अब पालकी चलती जाए, कभी पालकी जोर से हिल जाए,
हिल जाए तो राजा रघुगण को अंदर दिक्कत हो, फिर पालकी कभी आगे चले फिर कभी कभी हिल जाए। अब एक बार पालकी बहुत जोर से हिली, उनका सर टकरा गया ऊपर। बोला ये हो क्या रहा है भाई, क्या कर रहे हो, ये पालकी बार बार क्यों डिस्टर्ब कर जाती है, इसके मुझे दिक्कत होती है, क्या तुम लोग कार इतने सुंदर कार हो, क्या तुम एक पालकी नहीं संभाल पा रहे। सैनिक आया चलती हुई पालकियां बगल में, महाराज वो नया वाला व्यक्ति जो लगाया है ना उसके वजह से समस्या हो रही है। अच्छा रोको पालकी, बुलाओ उसे, सामने आकर खड़े हैं जो भगवान की आज्ञा। सामने जड़भरत खड़े हैं और जड़भरत को देखकर राजा ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा है, अट्टा-कट्टा शरीर बिल्कुल चकाचक। देखो चिंता नहीं तो सब बढ़िया। और बड़े आनंद के साथ राजा ने बड़ी जोर से अपने शब्दों का प्रहार करते हुए कहा कि तुम जिंदा ही मुझे मुर्दे के समान प्रतीत होते हो, क्या तुम्हें कोई बीमारी है, अट्ठे कट्टे दिखाई दे रहे हो, इतने मोटे ताजा तुम्हारा शरीर है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, भूख लगी है प्यास लगी है कुछ है खाओ पियो, मगर ये बार बार क्यों ऐसा करते हो। जबकि वो किस लिए कर रहे थे, मार्ग में आ रहे चींटी कीट पतंग कोई उनके पैर के नीचे आने वाला होता हो चक कर थोड़ा सा आगे हो जाते, कोई जीव हत्या ना हो जाए, उस जीव हत्या से को ना हो जाए को टालने के लिए वो अपने पैरों को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते तो पीछे गड़बड़ हो जाती। राजा रघुगण ने इतना सब कुछ बोला और आज पहली बार राजा रघुगण की बात को सुनकर जड़भरत कुछ बोले, और जो जड़भरत बोले हैं बस वही आनंद है। राजन, हे राजन, तुमने मुझे मोटा और पतला कहा, तुमने शरीर की बात करी है, तो राजन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि मोटा और पतला होना शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। ये शरीर मोटा है पतला है लंबा है छोटा, ये शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। और राजन तुमने कहा कि मुझे कोई समस्या है, तो आदि व्याधि का होना भी शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है, मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूं। जो भी आदि व्याधि होती है वो शरीर को होती है, मुझे नहीं होती है, मैं बीमार नहीं पड़ता। और राजन भूख प्यास का लगना प्राणों का धर्म है, तुमने कहा कि भूख प्यास लगी हो तो कुछ पालो, तो भूख और प्यास का लगना प्राणों का धर्म है, ये भी मेरा धर्म नहीं है, मुझे भूख प्यास लगती नहीं है, मुझे भूख प्यास लगती ही नहीं है। और तुम कह रहे हो निंद्रा तंद्रा भय ग्लानि क्रोध इत्यादि ये सारी चीजें, तो ये सारी की सारी जो जिन चीजों का तुम लाभ नाम ले रहे हो वो सब बुद्धि का धर्म है, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, अर्थात मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं प्राण भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं और मैं मन भी नहीं हूं। राजन आप किस किस की बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हैं, ना मैं शरीर हूं, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे भय लगता है, ना मुझे नींद आती, मैं सर्वत्र जागृत हूं और मैं इन सबसे परे हूं। और जैसे ही राजा रघुगण ने जैसे ही सुना ये सारी बात को घटना को, राजा रघुगण को लगा ये क्या गड़बड़ हो गई, लगा जैसे सामने कोई महर्षि खड़ा है, कोई सप्तऋषियों में से कोई एक खड़ा है, निश्चित कुछ बड़ी घटना घट रही है। तुरंत पालकी से नीचे कूदा और पालकी से नीचे कूद के हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, कृपा कर बताएं आप कौन है, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे लगता है आप कोई 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 देव पुरुष हैं, आप सप्तऋषियों में से एक हैं, आप कोई देवता हैं, आप कौन हैं, कृपा कर बताएं। क्यों, क्योंकि जो बात रघुगण से जड़भरत ने कही वो आम बात नहीं थी, वो सामान्य बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। रघुगण से श्री जड़भरत जी कहते हैं जीना और मरना शरीर का धर्म है, राजन सुनो मेरी बात,
पहली बात तो जो चीजें मैंने कही वो मैं नहीं हूं, और जीना और मरना भी शरीर का धर्म है, मैं शरीर भी नहीं हूं। और जब मैं शरीर नहीं हूं तो न मैं जीता हूं, न मैं जीता हूं न मैं मरता हूं, न मैं जीता हूं न मैं मरता हूं, ये भी मेरा धर्म नहीं है। राजा पूछ रहा है, कृपा कर बताइए आपका परिचय क्या है, अब मैं नहीं रुक सकता। जोर से हंसते हैं जड़भरत, और जोर से हंसते हुए जड़भरत कहते हैं कि राजन तू अभी भी नहीं समझा मैं क्या कह रहा हूं, तुझे अभी भी समझ नहीं आया मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं। बोला नहीं आया तभी तो पूछ रहा हूं, बताओ ना तुम कौन हो। राजा रघुगण की इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री जड़भरत कहते हैं, अच्छा राजा एक बात बता, हजारों मिट्टी के घड़ों में जल भर के रख दिया जाए और दोपहर का सूर्य आसमान में आ जाए और उन सब घड़ों में देखेगा तो तुझे क्या दिखाई देगा। बोला सूर्य। कितने सूर्य होंगे? बोला जितने घड़े होंगे उतने सूर्य होंगे, होंगे ना। बोला हां। अब उन सब घड़ों को फोड़ दिया जाए और जब वो सारे घड़े फूट जाएंगे तो सूर्य कहां गया? बोला वो सूर्य जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, जो अंश दिखाई दे रहा था, वो अंश सूर्य का था, वो सूर्य में वापस चला गया। बोला यही तो मैं तुझसे कहना चाहता हूं, हम सब मिट्टी के घड़े हैं और इस मिट्टी के घड़े में उस अंशी का अंश रूपी आत्मा निवास करती है। जिस दिन ये मिट्टी का घड़ा फूटेगा उस दिन इसमें से आत्मा निकलकर परमात्मा की यात्रा करेगी, अर्थात मैं आत्मा हूं तू आत्मा है, दोनों आत्मा का मालिक कौन? परमात्मा है। तो राजन जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। पूरे पूरे शास्त्रों का सार है साहब ये प्रसंग। इस प्रसंग को जिसने जीवन में उतार लिया, समझ लेना, उसने ईश्वर को पा लिया। जो मैं हूं वो तू है, जो तू है। और आज की तारीख में समस्या क्या है? आज की तारीख की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आदमी भेदभाव से चल रहा है, भेद बुद्धि से चल रहा है। वो किसी को बड़ा मानता है, किसी को छोटा मानता है, किसी को ऐसा मानता है, किसी को वैसा मानता है। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना, जिसने परमात्मा को जान लिया उसने सबको एक मान लिया। ध्यान रखना, उसकी नजर में सब एक हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। भगवान की बांसुरी बजती है, हजारों गोपियां उन तक पहुंचती हैं, लेकिन उन हजारों गोपियों में ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण ही पहुंची, कोई क्षत्रिय ही पहुंची, कोई वैश्य ही पहुंची, कोई शूद्र ही पहुंची। जिन जिन गोपियों के, जिन जिन के भाव परमात्मा को पाने के थे वो सब की सब पहुंची। वहां कोई जाति, कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरी दुनिया भर से नदी नाने निकलते हैं, नदी जिन नदियों को हम पूजते हैं, जिन नदियों को हम पूजते हैं वो भी निकलते हैं, और जो गंदगी बहते हुए नाले हैं वो भी निकलते हैं, और ये सब मिक्स होते हुए कहां पहुंचते हैं? गंगा सागर, महासागर पहुंचते हैं ना। समुद्र तो नहीं कहता, नहीं साहब, क्वालिटी रिवर, जो क्वालिटी की रिवर है वही आएंगी, गंगे चाहे यमुने चाहे गोदावरी सरस्वती, अरे सबके नाम लेके बोला नहीं साहब आपके लिए ये, बाकी सब रुक जाओ, ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ। भगवान जब अपनी बांसुरी बजा रहे हैं तो क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। भगवान जब अपनी तान सुना रहे हैं ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। आप जब भंडारा करते हैं तो भंडारा बांटने में जो आ रहा है उसको देते जा रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि नहीं हम सोच रहे हैं नहीं साहब ये व्यक्ति को हम नहीं देंगे, उस व्यक्ति को देंगे? लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ऐसा कई बार मैंने देखा है होते हुए, पैकेज है चार पूड़ी और सब्जी बांटने का,
चार पूड़ी और सब्जी बढ़िया तरीके से चल रही है और लोग आ रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं, पर जैसे ही बांटने वाले का कोई अपना आया, जैसे ही बांटने वाले का कोई अपना आया, वो 4 से 40 पूड़ी कब हो जाती हैं पता ही नहीं पड़ता किसी को, कब पॉलिथिन अंदर आई और कब पॉलिथिन जयराम जी की हो गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं जानता था कि आप टेलीविजन में बैठ के मेरी हर बात को यूं यूं करेंगे, इसलिए मैं चाह रहा था कि इसको ब्रेक करूं मैं। लेकिन जीव ऐसा करता है, जीव ऐसा करता है, और जीव अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्या जाना, उसने क्या सीखा। मैं देखता हूं पंडाल में बैठकर हजारों लोग बैठते हैं, माताएं पुरुष सब बैठते हैं, सब ऐसे ऐसे करते हैं, 3 घंटे सब 4 घंटे ऐसे ऐसे करते हैं। सच्ची कहो बिल्कुल सही बात है, चुकी चुकी बात है, गणी कथाएं सुनी बात तो चुकी थी कहो। चलो अच्छी बात है, आपको समझ में तो आई, पर जैसे ही कथा विश्राम हुआ महाराज, जो वो प्रसाद वाली लाइन है उसमें सबको सुपरमैन बनना है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, मामला 15 मिनट का है, उतना सब्र नहीं है। और अभी 4 घंटे कथा में बैठे थे, इनके इनके जीवन में कथा व्यथा बन गई कैसे, क्योंकि ये कथा में तो थे लेकिन कथा में नहीं थे। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा के शरणागति में रखते हुए जीवन को जियो भैया, उनकी सुंदर मधुर सुंदर तान के साथ अपनी तान को मिलाओ, भगवान का भजन गाओ और आनंद करो। आज हमारे गोविंद का सुंदर श्रृंगार, सुंदर बांसुरी, आइए उनकी बांसुरी को उनकी बांसुरी का भजन भेंट करते हैं। सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना सांवरिया, मैं नाचूं तू गा सांवरिया, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना धार बहे इस मन में, रस की धार बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे इस मन में, अनुपम प्यार बहे इस मन में, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, तेरी याद न बिसरे एक पल, मस्त बना सांवरिया, सांवरिया सांवरिया ऐसी तान सुना, सांवरिया ऐसी तान सुना। एक बार प्रेम से कहिए सांवरिया सरकार।
नैनों में मेला असुवन का, नैनों में मेला असुवन का, पग पग थिरक उठे जीवन का, पग पग थिरक उठे जीवन का, हर एक प्राण पुकारे पीपी, 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 ऐसी ताल मिला सांवरिया, जय हो सांवरिया, जय हो सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान हर पल तेरा रूप निहारूं, हर पल तेरा रूप निहारूं, सोवत जागत तुम्हें पुकारूं, सोवत जागत तुम्हें पुकारूं, हरि हरो मन की कटुलाई, हरि हरो मन की कुटलाई, हरि हरो मन की कुटलाई, की जोत जगा गा 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 सांवरिया, जय हो सांवरिया, जय हो सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना। कुंजन में भूले फिरूं सघन कुंजन में, ब्रज की दिव्यमयी लतन में, ब्रज के दिव्यमयी लतन में, रसिकन पर गज मस्त लगा के, रसिकन ब्रज रज मस्तक लगा के, रसिकन ब्रज रज मस्त लगा के, रसिकन ब्रज भाग्य जगा गा 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 सांवरिया, जय हो सांवरिया, जय हो सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सांवरिया, ऐसी तान सुना ओ सांवरिया, ऐसी तान सुना ओ सांवरिया, ऐसी तान सुना ओ सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना सांवरिया, ऐसी तान सुना। सब कुछ भूल जाए, सब हट जाए, सब सारी चीजें खत्म हो जाए, ऐसी तान सुना दे। भगवान के आनंदमयी लीला जड़ भरत जी श्री रहुगण को शिक्षा दे रहे हैं, सब एक हैं।
कोई भिन्न नहीं है। ध्यान रखना, आप कथा सुनते हैं, आप सत्संग सुनते हैं, कथा सत्संग का मतलब यही है कि हम सब एक हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। और अगर हम भेद कर रहे हैं तो समझ लेना फिर हमने कुछ सुनाई है, उतारा कुछ भी नहीं है। उतारने में और सुनने में जमीन आसमान का अंतर होता है। अपने जीवन के अनंत आनंद को जीते हुए हमें सौभाग्य मिला इस पावन कथा महोत्सव में, कथा में, इस पुरुषोत्तम मास में, कि हम अपने जीवन के कल्याण के लिए कथा से जुड़ सकते हैं, अपने पितृजनों के कल्याण के लिए, अपने स्वजनों के कल्याण के लिए, अपने ग्रह शांति के लिए, अपने अपने धर्म के लिए, अपने अपने वैशिष्ट को बढ़ाने के लिए, अपने अध्यात्म का स्तर ऊपर करने के लिए आप कथाओं से जुड़ रहे हैं, आप पोथी यजमान हो रहे हैं, आप मानव मंदिर से जुड़ रहे हैं, आपके द्वारा मंदिर निर्माण के लिए जो आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार सहयोग दिया जा रहा है। और ये एक नहीं हो गया, ये अनेक गुना हो गया, जबकि ये अधिक मास का महत्व है। हम और आप कथा सुन रहे हैं, और देखिए आज तो एकादशी है, आज अधिक मास में वो भी एकादशी, और इस दिन हमें कथा मिल जाए, आप समझ लो जीवन का कल्याण है। लेकिन इस क्षण को साधना पड़ेगा। बारिश तो होगी, बारिश तो चौं और बारिश हो रही है, लेकिन बारिश का लाभ आपको तब मिलेगा जब आपके बर्तन सीधे रखे होंगे, उसमें बारिश गिरकर जमा हो जाए। बारिश जमा ही नहीं होगी तो बारिश का मतलब क्या? आप इस अमृत वर्षा को सहेज लीजिए अपने हृदय में, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका जीवन सुगम हो जाएगा। ईश्वर ने यह जन्म दिया है, इस जन्म को सार्थक कर लीजिए। आप परमात्मा से प्रेम, मैं कह रहा हूं कुछ मत करो, सिर्फ परमात्मा से प्रेम करना आरंभ कर दो, सिर्फ प्रेम। उस प्रेम में इतनी शक्ति है, वो तुम्हें जगत से प्रेम करा देगा, जगत को तुम्हारा बना देगा, तुम्हारा जगत को बना देगा, इतनी शक्ति है। सिर्फ ईश्वर की कृपा एक बार भर मिल जाए, एक बार आप उनका हो भर जाए, फिर आप देखिए आपके जीवन का कल्याण कितनी सुंदरता से हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी दृष्टि और आपकी स्थिति दोनों आप कैसे करते हैं। सुखदेव जी बताते हैं, अजामिल एक ब्राह्मण युवक, नाम है अजामिल, ये बड़ा श्रेष्ठ ब्राह्मण है। इसके परिवार में इसके पिता से इसको संपत्ति मिली है ज्ञान की, और ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण, बड़ा सुंदर ब्राह्मण, बड़ा दिखने में अच्छा, ज्ञान में अच्छा, सारे पुराण सारे वेद सब इसको ऐसे कंठस्थ हैं कि क्या कहा जाए साहब। और ये अजामिल अपने पिता का बड़ा आज्ञाकारी है। एक दिन इसके पिता ने इसको समिधा लाने के लिए कहा, रोज की तरह ये वन में गया। वन में एक स्त्री की ओर इसकी निगाह गई, वो स्त्री चरित्र से ठीक नहीं थी, लेकिन उस पर निगाह करते करते इसका हृदय उसकी ओर चला गया, चला गया। इसने उससे निवेदन किया कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। उसने भी कह रहा ठीक है, घर ले आया, घर वालों ने भगा दिया, गांव वालों ने भगा दिया, ये तो स्त्री ठीक नहीं है। अब ना वो ब्राह्मण रहा, ना वो किसी कर्म का रहा, और वो चला गया। अब देखिए यहां लालच क्या था, सबसे बड़ा जो पाप है वो है लोभ। दुनिया का सबसे बड़ा पाप लोभ है, और ये लोभ इंसान से सारे पाप कराता है। इस व्यक्ति में उस स्त्री के लिए लोभ आ गया, और लोभ ने उसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ते बढ़ते वो पाप के गर्त में जाता चला गया। एक लघु कथा आती है, आपने सुनी होगी, कि एक बार एक गुरुकुल से
सुंदर ब्राह्मण युवक शिक्षा ग्रहण करके अपने पिता के पास पहुंचा। पिताजी से कहा कि पिताजी मैं निपुण हो गया, मैं सारे वेद पुराण आदि इत्यादि बड़ा सुंदर हो गया, सब बढ़िया। पिताजी ने कहा कि बेटा वो सब ठीक है, मैं भी तेरी परीक्षा लूंगा तो पता पड़ेगा। बोला ठीक है। बच्चे ने कहा कि पिताजी आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? बोला मैं तुमसे जानना चाहता हूं कामना के बाप का नाम क्या है। जो कामना होती है मनुष्य की, इसके बाप का नाम क्या है? पिताजी ये क्या पूछ लिया आपने? बस तू इतना पढ़ के आया है ना, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू बता। बोला ये तो मुझे नहीं मालूम। पिताजी गए अंदर, तिजोरी में से भी एक थैली निकाली, उसमें कुछ सोने की मोहरें थी। बोला ये तेरे खाने पीने का गुजारे के लिए मैं दे रहा हूं, जब तक ये पता ना पड़े घर लौट के मत आना। निकला जहां जाता लोग कहते हैं क्या फालतू का सवाल लेके डोल रहे हो भाई, आगे बढ़ो। समय निकलता गया, सोना खत्म होता गया, धन खत्म होता गया। एक दिन वो एक जगह से गुजर रहा था और वो एक वेश्या का घर था। मार्ग में निकलते हुए देखा उसने, उसको बड़ी भूख लग रही थी, सांझ होने को थी, रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस युवक ने उस घर की ओर बढ़ा, उस घर की ओर बढ़ा तो बढ़ते से ही उसने कहा कोई है अंदर से? वो युवती निकल कर आई, उसने कहा हाँ बोलिए। बोला मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। उसने कहा कि मैं आपको भोजन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि मैं इस स्थिति की स्त्री हूं, मैं आपको नहीं दे सकती और आप भी नहीं लेंगे। अरे 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 तुमने बहुत अच्छा किया, बता दिया, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो जाता, पाप हो जाता। और इस विचार से उसने कहा कि अब वो कुछ कदम आगे बढ़ा, देखा तो सांझ हो रही है, जंगल का इलाका, अब करे तो क्या करे और उसका धन भी खत्म हो रहा है। उस स्त्री ने पीछे से आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता एक बात कहूं? बोला हां, भले ही मैं ठीक है जैसी भी हूं, लेकिन मुझे इतना ज्ञान है कि कच्चा सीधा अगर मैं आपको दूं तो अपनी रसोई तो आप पका सकते हो, उसमें तो कोई दोष नहीं है, और उसके साथ मैं आपको 10 सोने की अशर्फियां भी दूंगी। 10। इस ब्राह्मण युवक ने सोचा देखो भूख तो लगी है, आगे न जाने कौन सा गांव कम मेरे, रात्रि का समय है और धन भी खत्म हो रहा है। देखो वैसे तो मैं ये सब, पर तुम्हारा भाव ठीक है तो मैं तुमसे सीधा ले लूंगा। उसने कहा ठीक है सीधा ले लो। वो बेचारी आई, उसने सीधा दिया और अशर्फियां भी दे दी। अब वो सीधा लेकर बैठ गए और बाहर एक बेड़े में बैठकर वो भोजन पकाने की तैयारी करने लगे। आई ब्राह्मण देवता, आपसे एक निवेदन है। क्या? आप इतने सुकोमल हो, इतने ज्ञानी हो, और मेरे जीवन में आप सामने खड़े हैं और आप मेरे होते हुए आप ये कष्ट करें, मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप कहें तो मैं भोजन, अरे तुम भोजन बनाओगी, मैं तुम्हारे हाथ का खाऊंगा ही नहीं, कहां से बनाओगी, पाप कर रही हो और ये और वो तमाम बातें। ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं तो सोच रही थी मेरे पास 10 और मोहरे पड़ी हैं, वो आपको दे देती और मेरा भी कल्याण हो जाता। ब्राह्मण देवता से, देखो वैसे तो गलत है लेकिन तुम्हारा भाव अच्छा है, बना दो। भोजन तैयार, ठाकुर जी को भोग लगाया, मानसिक उपासना करी। उपासना करके जैसे ही वो थाली तैयार करके बैठे वो फिर आ गई, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बोला तुम सामने से हट जाओ, मैं भोजन कर रहा हूं, अब तुम जाओ। बोला वो सब ठीक है, बस एक छोटी सी विनती, छोटी सी, अगर आप आदेश करें तो। बोला मैं करती हूं, बस आप बताओ। बोला ठीक है बताओ क्या।
50 स्वर्ण मोहरे और पड़ी है महाराज। चाहती क्या हो? बस मैं चाहती हूं कि आपको, मैंने इतने जीवन में पाप करे, मैंने सुना है अगर कोई संत कोई ब्राह्मण अपना आशीर्वाद देते तो व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं इतना तो जानती हूं कि ब्राह्मण के मुख में जब कोई ग्रास जाता है तो नारायण के पास पहुंचता है, मैं इतना तो जानती हूं। आज मेरे जन्मों जन्मों की कोई अच्छी बात होगी कि आज मेरे पास साक्षात ब्राह्मण देवता साक्षात नारायण देवता हैं। आप मुझे बस इतना मौका दे दें कि मैं अपने हाथ से आपको भोजन करा दूं, अपने हाथ से। और जो उस युवक को क्रोध आया, सारे जो भी सीखा पढ़ा था सब जितना, अरे और ये वो, ठीक है ब्राह्मण देवता कोई बात नहीं, मैं तो सोच रही थी कि कहते हैं कि धन शुद्ध कर देता है, भाई हम पूजा पाठ करते हैं धन से ही तो करते हैं, हो सकता है। अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा भाव ये, देखो तुम्हारे भाव की बात है, मैं बिल्कुल ये सब कुछ नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव है ठीक है, तुम भोजन करा दो। 50 मोहरे लेकर आई, कहती है ब्राह्मण देवता बस एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इतने घने जन्म और मैं इस तरफ ऐसे रहती हूँ, आप कहां से आ रहे हो, क्या आ रहे हो? बोले मेरे पिताजी ने मुझे एक प्रश्न सौंपा है, उस प्रश्न का जवाब लेने निकला हूं। काम के बाप का नाम क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, ओह ठीक है, बड़ा प्रश्न है। और ये प्रक्रिया करते करते आखिरी में वो थैली लेकर आई, सामने रखी, और उसने कहा कि मैं भोजन कराऊं आपको? बोला हाँ कराओ। तो ब्राह्मण देवता ने कहा देखो मैं फिर भी ये सब देख नहीं सकता, मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने कौर लिया, कौर तोड़ा और तोड़ के बोला कि मैं आपको खिलाऊं। उन्होंने आंखें बंद करी और जैसे ही आंखें बंद करी उस स्त्री ने उस युवक के गाल पे जोर से तमाचा मारा, बहुत जोर से तमाचा मारा, और जैसे ही तमाचा पड़ा वो ओठ पर तिलमिला गया। वो ये क्या किया तूने? बोला आपके प्रश्न का उत्तर दिया मैंने। मतलब? बोला मतलब तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें ढूंढने भेजा था जिस प्रश्न को, कि काम के या कामनाओं के बाप का नाम क्या है, तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूं उसका नाम है लोभ। तुम्हारे लोभ ने तुम्हें कहां बैठा दिया, तुम्हारे लोभ ने तुम्हारे सारे धर्म बेकार करवा दिए, तुम्हारे लोभ ने तुम्हारी कामना को जागृत करता गया, और उन कामनाओं के लोभ ने तुमने क्या कर दिया, तुम मेरे हाथ से भोजन पाने को तैयार हो गए? युवक खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के कहता है कि तुम साक्षात भगवती हो, मैं तो बड़े बड़े मनीषियों के पास गया, मुझे जवाब नहीं मिला, मुझे क्षमा कर दो। तात्पर्य कहने का, जीवन में अगर आपको पाप से बचना है, किसी भी पाप से, तो सबसे पहले लोभ से बचो। दुनिया के सारे पाप कराता है लोभ, सारे पाप। इस युवक के साथ भी यही हुआ है, कोई नई घटना नहीं घटी है, इस युवक के साथ ये जो लोभ उस स्त्री के प्रति जागृत हुआ, जो कामना जागृत हुई, उसने उसका पतन कर दिया। ऐसे विचार जो आपका पतन कर दें, उनसे बचिए। ध्यान रखना, जीवन में कहा जाता है, शास्त्र भी कहते हैं, ऐसा साहित्य ना पढ़े जो आपके मन को बेकार कर दे, ऐसा दृश्य ना देखें जो आपके मन को बेकार कर दे, ऐसा भोजन ना खाए जो आपको बेकार कर दे, ऐसे लोगों में ना बैठे जो विचार आपको खत्म कर दे, बेकार कर दे। और जो लोग इससे बचे रहेंगे वो जीवन में आगे जाएंगे। आपके छोटे छोटे नन्ने नन्ने बच्चे घरों में हैं, आप हैं, आपको भी वो मर्यादा और शिष्टाचार का जीवन जीना है, जिस जीवन से आप भी अच्छे हो जाएं, आपके बच्चे भी अच्छे हो जाएं, आपका समाज भी अच्छा हो जाए। आज किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था, व्हाट्सएप प्रश्न था, कि आपने कहा था कि हम बताएंगे कि अधिक मास में और क्या क्या करें अच्छा फल पाने के लिए। तो भैया मैं आपको बता दूं, मैं भक्ति मार्गीय हूं, मैं ज्ञान मार्गी नहीं हूं। मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊं और आप उसमें उलझ जाओ,
सुबह ये करना चाहिए, दोपहर में ऐसे करना चाहिए, रात को ऐसे बैठना चाहिए, दीपक को ऐसे नहीं ऐसे करके रखना चाहिए, एक टांग पे खड़ा होना चाहिए, दो टांग पे नाचना चाहिए, मैं सब तुमसे ये बात नहीं करना चाहता। मैं भक्ति मार्गीय व्यक्ति हूं और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, रोज रोज आपसे जो बन जाए किसी गरीब की इस अधिक मास में, चाहे आप एक केला खिला के मदद कर दो, किसी को भोजन खिला के मदद कर दो, किसी को कच्चा सीधा देके मदद कर दो, किसी बच्चे को कॉपी प्लेट स्लेट देकर मदद कर दो, किसी गरीब को कपड़ा देके मदद कर दो, आप इन अधिक मास के प्रत्येक दिन में कोई ना कोई नैतिक और धर्म के अनुकूल कार्य कीजिए। इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, इससे बड़ा मुझे कोई ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप सुबह ये करो, दीपक ऐसे लगाओ, चार बत्ती लगाओ, फिर एक ये करो, फिर घी का ही होना चाहिए, भूल से भी अगर तुमने तेल का कर दिया तो तुम नरक में जाओगे, ये सब मैं फालतू की बातें आपसे करना नहीं चाहता। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया है तो भूखा नहीं जाए भैया, है ना, और अगर कोई नहीं आया है तो आप जाओ कहीं तक देकर आओ, और परमात्मा को प्रेम से बस आधे घंटे 15 मिनट रोजाना बैठ के बस देखो, कुछ मत करो। आपको कुछ पढ़ना आता है वो आपकी चॉइस है, आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, आपको चालीसा पढ़नी है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं अगर मुझसे आपने पूछा है तो मैं आपसे दो ही बात कहूंगा, एक तुलसी माता का दीपक रोज सुबह शाम का आपका नहीं छूटना चाहिए, जो आप पूजा कर रहे हो वो करते रहो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अधिक मास में कुछ करना है अपने प्रेम को बढ़ाओ भगवान के साथ में, भगवान के सामने बैठ के भगवान की मूर्त को बड़े प्रेम से देखते रहो, इतनी देर तक देखते रहो, इतने प्रेम से देखते रहो जब तक तुम्हारे आंसू ना निकल जाएं, और आंसू निकल जाएं तो तुम फिर आराम से उठ के कहीं कुछ काम करने लगो। बस बस साहब, इससे ज्यादा कुछ मत करो, नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं है। ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, ज्ञान मार्ग के चक्कर में मत पड़ जाना। फिर एक किताब पढ़ोगे तो चार और पढ़नी पड़ेंगी, 40 पढ़ोगे तो 40 पढ़नी पड़ेंगी, दिक्कत में आ जाओगे। उसमें तो ये लिखा था, इसमें तो ये लिखा है, उसमें तो ये बताया था, इसमें तो ये बताया, आपको तो पता नहीं पड़ता, मगर आप समझिए जितनी कथाएं हम पढ़ते हैं और सुनते हैं उन कथाओं के पीछे का जो बहुत बड़ा सार है वो ये है कि जिन कथाओं को हम पढ़ते सुनते हैं वो कई कई कल्पों की कथाएं हैं, वो सिर्फ एक कल्प की नहीं है। हम 28वें कल्प में बैठे हैं, आप समझना मेरी बात को, 14 मनवंतर मिल जाते हैं तब एक कल्प होता है, 4 चतुर्युगी, 1 चतुर्युगी मिलता है जब द्वापर त्रेता सतयुग और कलयुग, तब जाकर एक चतुर्युगी होता है, ऐसे 14 चतुर्युगी होते हैं तब एक मनवंतर होता है, और वो मनवंतर मिलके फिर एक कल्प बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग घटनाएं, आपको जो दिख रहा है बहुत ज्यादा उस चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो क्या होगा, तुम उसी में बीते रहोगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। मानस में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, एक बार कुंभज ऋषि के पास भगवान शिव और सती पहुंचे हैं कथा को सुनने के लिए। एक बार कुंभज ऋषि, एक बार पहुंचे अर्थात एक किसी कल्प की घटना, आप समझना इस बारीकी को। वो कह रहे हैं एक बार की घटना है कि श्री 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 कुंभज जी के पास भगवान शिव और सती पहुंचे थे भगवान राम की कथा सुनने के लिए, और कुछ दिन रहे, कुछ दिन शिव वहां रहे, और रहने के बाद जब वो जाने लगे और जैसे ही वो लौट निकले आश्रम के बाहर वन में, वो क्या देख रहे हैं, भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण सीता जी को ढूंढ रहे हैं, जिन राम की पूरी कथा अभी सुनकर आए हैं किसी अन्य कल्प की, जो कथा किसी अन्य कल्प में भगवान ने करी थी उस कथा को कुंभज ऋषि सुना रहे हैं, और कुंभज ऋषि से जो कथा सुन के बाहर निकले तब भी भगवान बाहर लीला कर रहे हैं।
तो भगवान की माया को आप ऐसे नहीं समझ सकते, भगवान की माया को समझने का एक साधन है, उनके पैरों को पकड़ लो, बस उनके पैरों को कसके पकड़ लो महाराज, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। और जिस दिन तुमने उनके पैरों को बिल्कुल ढंग से पकड़ लिया महाराज, और इतना गीला कर दो रो रो के उनके चरणों को, कि लक्ष्मी जी भी जब उनकी सेवा करने के लिए, उनके चरणों की सेवा के लिए वो उनके चरण कमल पर अपने हस्त कमल रखें, तो बार बार वो ये कहें कि बार बार इतने गीले कर लाते हो, मुझे बार बार पहुंचना पड़ता है, किसने गीले करे। तब नारायण कहें वो गीला कर देता है रोज मेरा भगत रो रो के। तो लक्ष्मी जी कहती है क्यों इतना रुलाते हो, उसे अपनी गोद में बिठा लो, उसे अपनी गोद में बिठा लो, भगवान आपके आंसुओं से रीझेंगे, भगवान आपके दासत्व भाव से रीझेंगे, परमात्मा को पकड़ लो। मैं कुछ नहीं जानता, ना मैं जानामी पूजा, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तेरा कहलाता हूं, मैं इतना जानता हूं कि तेरा कहलाता हूं, तू ही है जो भी कुछ है। अपने जीवन के परम कल्याण को उपलब्ध हो जाइए, भक्ति का शिखर नहीं भगवान के चरण पकड़िए, शिखर स्वयं मिल जाएगा। भगवान के चरण ध्यान रखना भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल साधन है, भगवान के चरण, क्यों? क्योंकि उन्हीं भगवान के चरणों को माता लक्ष्मी अपने हस्त कमल से दबा दबा के पूज रही है। जिन चरणों की सेवा करके लक्ष्मी जी को प्रधान स्थान मिल गया, आप सोचिए क्या उन चरणों की सेवा करके हमें कुछ नहीं मिलेगा? खुद सोचो, थोड़ा चतुर बनो, बिना देखो भक्ति में भी थोड़ी चतुरता निभाओ। उनके सौंदर्य माधुर्य को आप ठीक है आप नक्षिक देख रहे हैं, लेकिन लौट के नीचे ही आना है, और नीचे से ज्यादा क्यों? क्योंकि नारायण का वास भी उनके चरणों में ही है। नारायण कहां निवास करते हैं? चरणों में, घुटनों के नीचे का हिस्सा नारायण का हिस्सा है। तो अपने आप को हमें झुकाना कहां है, अपने आप पकड़ना क्या है? उनके चरण, जहां वो पूर्ण रूपेण वास करते हैं, हमें उस स्थान पर अपना हृदय, अपना मन, अपनी पूरी ताकत लगा दें। इसलिए तो हमारे यहां चरण सेवा बताई गई, कहते हैं ना संतों के चरणों की सेवा, ब्राह्मण चरण स्पर्श, बड़ों के चरण स्पर्श, मतलब क्या? नारायण के स्पर्श है। और मैं इस बात को इसलिए बार बार कहता हूं, कई लोग कहते हैं भक्ति कैसे करें, अरे भक्ति के लिए भी पूछने की जरूरत है कैसे करें, पकड़ लो गोविंद के चरण। और एक सरल साधन रोज भगवान को टुकुर टुकुर देखो, रोज भगवान को टुकुर टुकुर देखो, और जिस दिन टुकुर टुकुर देखते देखते तुम्हारे अश्रुबंध नीचे गिरने लगे, समझ लेना भगवान ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार कर ली, समझ लेना भगवान तुमसे प्रसन्न है, क्योंकि उनको भक्त और भक्त के आंसू ही पसंद हैं, बाकी कुछ पसंद नहीं है महाराज, कुछ भी पसंद नहीं है। कुछ पवित्र नामों की पुनः घोषणा, मेरे भाई बहन पूरी दुनिया भर से इस मानव मंदिर कल्याणार्थ जुड़ रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आइए एक बार नामों की घोषणा, फिर हम कथा प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे। लगातार पूरा देश विदेश कथा भी श्रवण कर रहा और पावन पवित्र मानव मंदिर से भी जुड़ रहा है। मैं बता दूं कई फोन आते हैं कि महाराज सर से बात कराइए, तो आप खुद भी देख रहे हैं 4 बजे से 7 बजे तक कथा लाइव रहती है, तो जो भी भक्त महाराज सर से बात करना चाहते हैं या जानकारी, तो आप 8:30 बजे के बाद संपर्क करें ताकि महाराज सर से बात हो जाएगी। और कार्यालय में लगातार फोन आते हैं, तो अगर आपके फोन वेटिंग भी जाते हैं तो आप 5 मिनट बाद भी लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा देश विदेश मानव मंदिर से जुड़ रहा है। कथा के समय भी आप फोन लगाइए, कथा के बाद भी हमारे कार्यालय पर निरंतर आपके फोन उठाए जाएंगे और आपको पावन पवित्र जानकारी दी जाएगी। कई भक्त
पोथी के लिए पूछ रहे हैं तो इस कथा में पोथी रखी जाएगी। आने वाली कथा में भी कई भक्त अपनी अपनी पोथी रखवाना चाहते हैं तो वो सब संपर्क में रहें, आप सबकी पोथी रखी जाएगी। तो आइए अधिक विलंब न करते हुए बिहार पटना से कविता देवी, आज ने आज एकादशी के आज जो भी दान आए हैं एकादशी के उपलक्ष्य पे ही आए हैं। बिहार से पटना से कविता देवी हैं, 1100 रुपये आपने आज एकादशी में अन्न दान दिया। गोरखपुर से सुमित्रा श्रीवास्तव जी हैं, आपने आज एकादशी के पावन उपलक्ष्य पर 5100 रुपये 5 फुट भूमिदान का संकल्प लिया। इंदौर से शीला देवी हैं, 1 फुट से भूमिदान आपने किया। और थानी महाराष्ट्र से आर्य जी हैं, आपने भी आज 1100 रुपये मानव मंदिर के लिए दिया, 1 फुट भूमिदान। जम्मू से शकुंतला शिवहरे जी हैं, 1 फुट भूमिदान का संकल्प लिया। पंजाब से उमा जी हैं, आपने भी आज 2 फुट भूमिदान का संकल्प लिया है। उड़ीसा से विश्वनाथ जी हैं, 1 फुट भूमिदान। सोनीपत से शकुंतला जी हैं, आपने भी आज एकादशी के उपलक्ष्य पर 1 फुट भूमिदान का संकल्प लिया। और इंदौर से अर्चना रमेश दलवी जी हैं, आपने भी आज पावन पवित्र भागवत कथा विश्राम के समय एकादशी के दिन 2100 रुपये की अपनी मंगलमय सेवा भेजी है मानव मंदिर आश्रम के लिए। तो लगातार कार्यालय के नंबर आप नोट करें, जिनको भी मानव मंदिर के लिए आज एकादशी की अपनी सेवा देनी है तो आप लगातार दें। आपकी सेवा की राशि की घोषणा कल कथा के समय की जाएगी, तो अधिक से अधिक जो भी जानकारी चाहिए तो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबरों पर आप पूरी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए पुनः चले महाराज श्री के चरणों में। राधे राधे, श्री राधे। अजामिल के साथ घटना ये घटी कि उसका पाप बढ़ता गया, संतों के आशीर्वाद से उसने पुत्र का नाम नारायण रखा, आप जानते हैं, लेकिन वही नाम आखिर में उसके जीवन का कल्याणकारी नाम बन गया। अगर आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो दो चीजों को विचार जरूर कीजिए कि परमात्मा के नाम से आप दूर ना जाएं। इस कथा को मैंने परसों ही आपसे एक बात कही थी कि जिस नाम संकीर्तन की बात कथा विश्राम पे होती है उसी नाम संकीर्तन की चर्चा मैंने कथा के आरंभ में करी है। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो नाम संकीर्तन जो सारे पापों का नाश कर देता है भगवान के नाम को साधिए। सोचिए अजामिल जैसा पापी, उसने भी अंतिम समय में भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेने से उस पापी के सारे पाप धुल गए और उसको वैकुंठ प्राप्त हुआ, तो हम तो उससे कई लाख गुना ज्यादा ठीक हैं, हम तो उससे कई लाख गुना ज्यादा ठीक हैं, फिर हमारे साथ भी वैकुंठ जैसा न्याय होना चाहिए। आप सबके साथ ये समस्या है कि कई बार आप भगवान पे तो विश्वास करते हो लेकिन भगवान के दिखाए गए मार्ग पर विश्वास नहीं करते। ये दोहरा मापदंड जब तक जीवन में रहेगा तब तक जीवन में कभी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति का एकमात्र साधन है इस कलयुग में भगवान के बताए गए शास्त्र अथवा भागवत वचन ही भगवान है, भगवान के वचन है। कलयुग में मेरे शास्त्रों को जो सुनेगा जो सुनवाएगा वो मेरे ही वाक्य माने जाएंगे, ये भगवान की वाणी है। अजामिल जैसे व्यक्ति को अगर इतने पापों के दौरान प्रपन्न भाव से नारायण 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 बोलने से अगर नारायण मिल जाते हैं तो प्रपन्न भाव से हम क्यों नहीं बोल सकते। हम भी अपने मनसा वाचा कर्मणा को एकीकृत करते हुए अपने आनंद स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए उनको पुकारें और वो हमारी पुकार ना सुने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। तो आपको चाहिए अपने जीवन के परम कल्याण के लिए अपने जीवन में परमात्मा को प्रेम करें और परमात्मा के पास कम से कम बैठ के 5 मिनट जरूर रोएं। और सच बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकल खुद की, मैं जो भी बताऊंगा वो किया हुआ बताऊंगा, उससे प्रेम बढ़ता है, उससे भगवान की कृपा महसूस होती है, उससे ऐसा लगता है कोई है हमारा कोई। और पता है कभी कभी तो क्या लगता है, सिर्फ आप और वो ही है और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। और सच बताऊं वटस्य पत्र
उठे शयानम, जो वो सुनते हैं ना, जब भगवान उस वट के पत्ते पे लेटकर अपना अंगूठा चूस रहे हैं, भागवत में दर्शन है, कभी कभी लगता है बस वही दर्शन हो रहे हैं, पूरी दुनिया अब लय हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ यहां आंखें बची हैं, शरीर भी नहीं है, भगवान के सुंदर दर्शन हो रहे हैं। वो जीवन की उस अवस्था को पा लेना ही भक्ति है। जब कुछ ना शेष रह जाए, जब सिर्फ वही शेष रहता है, देवकी भी कह रही है ये बात, जब सिर्फ आप शेष रह जाते हैं, जब ब्रह्मा की दो पदार्थ आयु शांत हो जाती है, जब कुछ शेष नहीं होता, हे देवकी, हे भगवान, हे जगदीश्वर, जब सिर्फ आप ही शेष रहते हैं, तब आपकी कृपा से जगत बनता है। हम और आप भगवान के श्री चरणों में आज का प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम, एकादशी का प्रणाम, कि आप सब भक्तजन, आप सब श्रोताजन, आप सब परीक्षित जन अपने अपने घरों पर बैठकर सुंदर आनंद कथा का ले रहे हैं। आज आप लोगों की सेवाएं भेजी गई हैं, आज ब्राह्मण भोज भी है हमारे यहाँ, सभी ब्राह्मणों का भोज फलार यही है, और बड़ा आनंद है कि इस एकादशी को मैंने शुरू में ही बताया, एकादशी तो महाराज एकादशी करना शुरू कर दो, ये फालतू के खर्चे मेडिकल और वो सब करते हैं क्यों, मतलब है तो आइए पवित्र आरती में हम सब प्रवेश करें अपने जीवन का परम कल्याण कर। हरि ओम। मा चंद्रमा मन सो जात सो सूर्यो अजात श्रोत्राद्वाज प्राणी समुखाद अग्निरजात तेरी उतारू मेरे माधव मदन मुरारी, मैं आरती तेरी उतारू मेरे माधव मदन मुरारी, मेरे माधव मदन मुरारी मेरे केशव कुंज बिहारी, मेरे माधव मदन मुरारी केशव कुंज मुरारी। अरे मैं नित शीश झुकाऊं मेरे माधव मदन मुरारी, प्रेम से शीश झुकाऊं मेरे माधव मदन मुरारी, है तेरी छवि अनोखी मैंने और छवि अनोखी मैंने और न कोई देखी, तेरी लटके लट घुंघराली मेरे माधव मदन मुरारी, तेरी लटके लट घुंघराली मेरे माधव मदन मुरारी, उमा खंड की मटकी फोड़े गोपिन संग नाता जोड़े, माखन की मटकी तोड़े गोपिन संग नाता, ओ गोपिन के मनवारी मेरे माधव मदन मुरारी, ओ गोपिन के जब जब तुम बंसी बजावे वो सब अपनी सुधि बिसरावे, जब जब तू बंसी बजावे सब अपनी सुध बिसरावे, वो तू सबका सब है तेरे वो प्रेमी कृष्ण अवतारी, तू सबका सब है आरती गावे वो प्रेम पदारत पावे, जो प्रेम से आरती गावे वो
तन के हितकारी मेरे माधव मदन मुरारी ओ भगतन के हितकारी तेरी उतारू मेरे माधव मदन मुरारी मैं आरती तेरी उतारू हे माधव मदन मुरारी अरे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो अरे राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 रे राम राम बोलो राम 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 बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा